लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? यस सर। पढ़ा? चलो अच्छा, सब लगता सबके बच्चे स्कूल में हैं, क्योंकि क्या होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सर समझाओ। आपको डिवाइड किया गया है, अर्थ को मतलब डिवाइड किया गया। हाँ बिल्कुल, टाइम ज़ोन्स में। हाँ चलो मैं बता देता हूँ। इमेजिनरी लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जैसे कि आप एक ऑरेंज को देखते हैं ना, ऑरेंज के अंदर एक छिलके, ऑरेंज को छीलते हैं तो देर आर लाइन्स, तो ऐसा समझ ले कि इमेजिनरी लाइन्स है। 360 डिग्रीज का एक सर्कमफेरेंस है, हर डिग्री पे एक लाइन है। ऐसा नहीं है किसी ने लाइन खींची हुई है कहीं पे, बट ये इमेजिनरी है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई? ये स्टार्ट हुई हमारी लाइन्स, जब अंग्रेजों ने ये सिस्टम बनाया। हमारा सिस्टम अलग था, हम वो भी समझेंगे थोड़ा सा, बट जब अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया तो वहीं से अंग्रेज, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया तो उन्होंने ही स्टार्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने बनाया तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये स्टार्ट हुई ग्रीनविच मीन टाइम, इसको बोला गया। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड थी, जिसको कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये ग्रीनविच से पास होती है। तो ये प्राइम मेरिडियन वहां से पास होता है, उसको प्राइम मेरिडियन, और वो वहां से वैसे ही हर 111 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री की एक लाइन है। अब ये 111 किलोमीटर कैसे आया, ये भी आप अर्थ का सर्कमफेरेंस लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 360 से, 111 आ जाएगा। तो वो 111 किलोमीटर के बाद एक एक डिग्री आता है, तो हर एक 111 किलोमीटर पे 1 डिग्री चेंज हो जाता है लॉन्गिट्यूड। इसीलिए अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए कोई कोई भी इंसान मुंबई में पैदा हुआ है, तो मुंबई में नवी मुंबई थाने वो सब एक ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 111 किलोमीटर नहीं हुआ तो लॉन्गिट्यूड चेंज नहीं होगा, तो लॉन्गिट्यूड का डिग्री चेंज नहीं होगा। बट आजकल बहुत ज्यादा सेंसिटिव सिस्टम्स हैं, तो लॉन्गिट्यूड का डिग्री तो बहुत दूर की बात है, डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स, जो थर्ड यूनिट है उस डिग्री का, उस तक सेंसिटिविटी है उसकी। और इसलिए वो हॉस्पिटल के नाम तक पूछते हैं, कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हॉस्पिटल के नाम से भी आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करके डालते हैं हॉरोस्कोप में। उनका मानना है कि हर एक, हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे फर्क पड़ता है, और हर एक उस पे वो चेंज हो जाती है, मतलब उसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, और उसके सब सब लॉर्ड या सब लॉर्ड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो चेंज हो जाते हैं, और उनका जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। अभी हम ये बेसिक वैदिक वाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम उतना आगे नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में समझेंगे। तो अभी आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे इंडिया के अंदर से, और क्या वो बहुत टाइम जोन में बांट दिया गया सबको, देयर आर 24 टाइम जोन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो एक टाइम जोन है इंडिया में, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बोलते हैं जिसको, वो अलाहाबाद से एक लॉन्गिट्यूड पास होती है, जिसके बेसिस पे टाइम डिसाइड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST कहलाता है। तो वो 82 डिग्रीज 30 मिनट्स पे अलाहाबाद में है। अब अगर आप 360 डिग्रीज को 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दें, तो वो दैट इज 1440 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग वो है 4 मिनट, मतलब अर्थ अगर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री रोटेट कर जाएगी, अगर वो 0 डिग्री पे है तो विद इन हर 4 मिनट्स में इट विल रोटेट बाय 1 डिग्री। और हमें मालूम है एक असेंडेंट कितनी डिग्रीज में होता है, एक एक राशि 30 डिग्रीज की होती है, तो 4 डिग्री को 30 से डिवाइड करेंगे तो हम रफली कितने देर आ जाएगी उसके अंदर, तो उतनी देर में एक आपका असेंडेंट जो है, एक असेंडेंट कह लो या जो एक साइन कह लो, वो राशि मूव कर जाएगी एज सीन फ्रॉम अर्थ। तो 4 डिग्री का 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ मिनट्स इज 4 मिनट्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर। सो इफ अर्थ ट्रेवल्स 111 किलोमीटर्स, इट इज एक्चुअली मूविंग 1 डिग्री एंड इट इज एक्चुअली मूविंग 4 मिनट्स। तो 4 मिनट का उसका रोटेशन का फर्क आ गया, तो 4 4 मिनट करके अगर हम ऐसे जोड़ेंगे उसको, तो हर 2 घंटे में एक हमारा रोटेशन बदलेगा और एक दूसरी राशि हमें दिखेगी। सो दिस इज वॉट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज। इसीलिए हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जरूरी होता है। अब दिल्ली का 77 डिग्री 13 मिनट से लॉन्गिट्यूड, अलाहाबाद का 82 डिग्री 30 मिनट से, डिफरेंस 5 डिग्री 17 मिनट का आ गया। इस बीच में काफी हद तक चेंज हो जाता है।
अब अगर ये आपका 100, अगर आपको कभी ऐसा लग जाए कि ऐसा पता मिले ना किसी का, हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल नाउडेज कि किसी भी जगह का आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ना मिले, क्योंकि गूगल पे आप टाइप करेंगे जगह का नाम, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबसे पहले मिल जाएगा हर एक जगह का. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर मतलब इवन द स्मॉलेस्ट, अगर कोई गली मोहल्ले का भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो टाइम डिफरेंस जो है, देर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 21 मिनट्स 8 सेकेंड बिटवीन दिल्ली, मतलब अगर जो असेंडेंट अलाहाबाद में जिस टाइम पर भी राइज करेगा वो 21 मिनट 8 सेकेंड के बाद सेम असेंडेंट दिल्ली में राइज करेगा. सो टाइमिंग इज सो, दिस डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू असेंडेंट. हमें असेंडेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा असेंडेंट हम डाल रहे हैं, पहले साइन पहले हाउस में कौन सा साइन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है. इसीलिए डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइमिंग पे आएगा. अभी हम ये जब ये और आगे पढ़ेंगे कि डिग्रीज और टाइमिंग से नक्षत्र पे कैसे फर्क पड़ता है और क्या इंपॉर्टेंस है उन सब चीज की, तो हमें और ज्यादा हमें इसका पता लगेगा कि कितनी, व्हाई आर वी सो एडमेंट ऑन, व्हाई आर वी सो पर्टिकुलर अबाउट अ डिग्री एट अ डिग्री एंड द टाइम. सो नाउ वी, दिस इज जनरल नॉलेज की ये अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें इसीलिए चाहिए बिकॉज एवरी डिग्री एवरी मिनट इतना इतना मूव कर जाता है, असेंडेंट चेंज हो जाते हैं, कई बार असेंडेंट चेंज हो जाता है, कई बार नक्षत्र चेंज हो जाता है, कई बार उसके नक्षत्र का सबलॉट चेंज हो जाता है, और कुछ जगहों पे तो सेकेंड्स में 10 सेकेंड के अंदर नक्षत्र का सब सब लॉट भी चेंज हो जाता है. जो पीपल हु रेफर टू सब सब लॉट्स, वो अभी इस पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही करेंगे. अब हम आते हैं टाइम की डेफिनेशन पे. हमने डेट, हमें प्लेस पता लग गई, प्लेस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देख लिया 4 मिनट में 1 डिग्री वो हो जाता है, वो उसका फर्क. तो 1 सेकेंड और लॉन्गिट्यूड जो है, मतलब 60 सेकेंड इज 1 मिनट, 60 मिनट इज 1 आवर, 24 आवर्स इज 1 डे, वी ऑल नो. जोडियक मेजर भी हमें मालूम है कि 60 मिनट इज 1 डिग्री, 30 डिग्रीज इज 1 साइन और राशि, 12 साइन इज 360 डिग्रीज और जोडियक. लॉन्गिट्यूड और टाइम को कैसे रिलेट किया गया कि 1 सेकेंड और लॉन्गिट्यूड इज 1/15 सेकेंड ऑफ द टाइम, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 1 आवर एंड 3, इसी वही तरीका, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 4 सेकेंड ऑफ 4 मिनट्स ऑफ टाइम. अब ये थोड़े से पुराने तरीके हैं जो उसमें दिए हुए हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब पंचांग देखेंगे, जब आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी आप देखेंगे, तो आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जिसमें कि पुराने किसी पंडित ने एक जैसे फोल्ड करी हुई जो कुंडलियां होती थी ना पुराने जमाने की, कुंडली या किसी ने तेवा उसको बोलते हैं, तेवा या कुंडली बना के आपको भेज दी. अभी आप पढ़ो और उसको और समझो कि क्या लिखा है और कौन सी क्या चीज लिखी है, या आपसे कोई दूसरा आदमी पूछने लगेगा क्या है, ये आपकी जनरल नॉलेज के प्रेडिक्शन में इसके लिए कोई जब वो नहीं है, बट ये हमें एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. आज हम ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे कि थोड़े से हमारे फेस्टिवल कैसे देखे जाते हैं, हमारी ये हिंदी कैलेंडर किस तरीके से है, और हिंदी में चीजें आप लोगों को मालूम है हिंदी कैलेंडर क्या होता है, व्हाट इज हिंदू कैलेंडर, व्हाट इज हिंदू मेजर ऑफ टाइम, हिंदू मेजर ऑफ इंडियन मेजर ऑफ रादर कॉलिंग इट हिंदू, आई वुड कॉल इट इंडियन मेजर ऑफ टाइम एंड इंडियन मेजर ऑफ डेट्स. कुछ है किसी को आइडिया, तिथियां क्या होती हैं, हम तिथि बोलते हैं, कई बार कंफ्यूजन क्या होती है कि रक्षाबंधन किस दिन पे है, दिवाली किस दिन मनेगी, हर समय कंफ्यूजन ये होती है कि इस बार कहाँ पड़ रही है, सुबह बनेगी कि शाम को बनेगी, एवरी टाइम देर इज अ कन्फ्यूजन, देर आर टू डेट्स ऑफ ईच फेस्टिवल जनरली, वाई इज देर सच अ कन्फ्यूजन, तो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. तो ट्रेडिशनल मेजर ऑफ टाइम जो था हमारे, ये तो अंग्रेजों का टाइम है जो हम लोग बोलते ना 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, ये अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि रात को 12 बजे से लेके अगले दिन रात को 12 बजे तक एक दिन है, और 12:01 से नया दिन स्टार्ट होता है, वो रात को स्टार्ट होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. वो क्योंकि उनको स्टैंडर्डाइजेशन करनी थी, उनके पास कई सारी कॉलोनीज थी, कई सारे वो थे जगहें थी, तो उनको एक टाइम का स्टैंडर्ड मेजर चाहिए था जिससे वो कैलकुलेट कर सके कितने दिन में कौन कहाँ पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, बिकॉज एवरी कंट्री हैड देयर ओन वर्जन ऑफ मेजरिंग टाइम एंड डेट्स. इंडिया में तो बहुत पुराना था, बहुत सालों, मतलब हम 50-52 ईयर्स इनसे आगे चल रहे हैं. हमारा जो कैलेंडर है विक्रम संवत, वो बहुत पुराना कैलेंडर है, समझो राजा विक्रमादित्य के टाइम, बीसी, कौन से बीसी में थे राजा विक्रमादित्य, रफली अराउंड
200 BC के आसपास के करीब थे राजा विक्रमादित्य, उनकी उन्होंने शुरू किया था विक्रम संवत कैलेंडर, उनके नाम पे शुरू हुआ था विक्रम संवत। तो वो बहुत पुराना मेजर है हमारा और वो आज तक चला आ रहा है। उसमें हम लोग, हमारी जो मेजरमेंट है हमारे हिसाब से, जो दिन की कैलकुलेशन है, दिन की कैलकुलेशन है फ्रॉम सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, वो एक दिन है। तो सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज हमारे उसमें एक वार है, उसको हम वार बोलते हैं, वो एक वार, जैसे सोमवार बुधवार मंगलवार, वो एक वार हो गया। और अगर मैं उसको एस्ट्रोनॉमिकली आपको समझाऊं तो सन और मून जब भी 12 डिग्री के डिफरेंस में होंगे, सन एंड मून, ये हम जब प्लैनेट्स की डिग्री पढ़ लेंगे तब मैं एक बार और दोबारा आपको समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लो, क्योंकि आपको मैं उसको आपको हॉरोस्कोप के हिसाब से समझाऊंगा और ट्रांजिट्स के हिसाब से दिखाऊंगा कि सन मून को कैसे देख के हम बताते हैं। बट वेन एवर सन एंड मून आर एट द डिफरेंस ऑफ 12 डिग्री, वो एक तिथि कहलाता है, एक वन तिथि, उसको हम तिथि बोलते हैं। हम लोग वो नहीं बोलते हैं कि डेट वेट नहीं, हमारे यहाँ हिसाब से तिथि है। तो एक तिथि होता है 12 डिग्री के डिफरेंस में। अभी आपको ये भी जब आप समझेंगे कि एक मून कितने डिग्रीज मूव करता है हर रोज और सन कितनी डिग्रीज मूव करता है रोज के हिसाब से या महीने के हिसाब से, दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर कि प्लैनेट की मूवमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि एक हमारे वो तिथि होती है, एक तिथि है, तिथि में एक दिन जो है हमारा, एक दिन 24 घंटे का नहीं 60 घटी का है, 60 मतलब उनकी डिविजन थी आवर्स की, हमारे आवर्स जो है वो 60 आवर्स समझ लीजिए, घटी को आप 60 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक घटी का मतलब एक घंटा है हमारी कैलकुलेशन में, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट हमारी कैलकुलेशन में एक घटी 60 पल या विघटी, और एक पल 60 विपल। तो हमारा जो और एक विपल 60 वलिप्त, एक वलिप्त 60 पारा, वन पारा 60 तत्पर। इतनी डेफिनेशन है। अब हम लोगों ने फिल्मों में गाने बहुत सुने होंगे, वो पल पल दिल के पास या पल पल वाले, पल वाले गाने जितने भी सुने होंगे, तो आपको पल की डेफिनेशन आपको पता लग जाएगी कि एक पल का मतलब क्या है। मतलब एक सेकंड के अंदर, एक मिनट में 2.5 पल होते हैं, ठीक है, एक मिनट के अंदर 2.5 पल हैं। तो वो आप लगा सकते हैं कि कितनी पल की, मतलब एक मिनट के लिए वो कह रहा है जो सॉन्ग राइटर है, पल पल दिल के पास, एक मिनट की डेफिनेशन है। यू कैन, ये भी पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पल था तो कितने पल के लिए क्या। तो ये सारे मेजर्स हैं और हम लोग मेजर अभी नैनो सेकंड पे आया कुछ सालों पहले, कुछ 50-60 साल पहले, 100 साल पहले नैनो सेकंड आया होगा, मैंने कोई आइडिया नहीं कितने टाइम पहले आया नैनो सेकंड की डिस्कवरी हमारे यहाँ। नैनो सेकंड बहुत पहले से, व्हेन द टाइम स्टार्टेड, व्हेन वी स्टार्टेड मेजरिंग द टाइम, तब से हमारे यहाँ ये है। हम टाइम को उतना ही सेकेंड्स की 24th डिवीजन पे हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते थे, आज से नहीं, उस जमाने से, मतलब जब से ज्योतिष बनी है तब से। तो 5000 साल पहले से हम लोग ये, हम टाइम की ऐसी मेजरमेंट करते थे, कौन से टेलीस्कोप उस टाइम पे थे हमारे पास, कौन सी मेजरमेंट थी, कौन से मैथमेटिक्स हम लोग लगाते थे, वी डोंट इवन नो, बट आर कैलकुलेशन, आर मेजरमेंट वॉज एग्जैक्ट परफेक्ट। इनफैक्ट अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे 108 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर कंप्लीट स्कीम ऑफ थिंग, हम 108 की माला होती है, 108 बड़ा सीक्रेट मानते हैं, वो भी इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब आर डायमीटर ऑफ अर्थ इज 108, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 108 टाइम्स द अर्थ डायमीटर। एंड ये इस तरीके से आप पूरा, देयर इज अ कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन ऑन दीस पैरामीटर्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी साइंटिफिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर हम पंचांग को बोलते हैं, व्हाट इज पंचांग, आपने सुना होगा पंचांग, पंचांग बहुत सुना होगा, पंचांग का मतलब क्या होता है, पंचांग का मतलब है पांच अंग, पांच अंग मतलब पांच पार्ट्स कह लीजिए, पांच चीजों में डिवाइडेड है, एक दिन को हमने पांच पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। कौन कौन से, योग होते हैं, एक ही एक डिवीजन है योग का, योग मतलब कुछ ज्यादा हम लोग उसमें घुसेंगे नहीं, पंचांग का मतलब क्या, कोई सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, योग मतलब जैसे 27 नक्षत्र है वैसे ही 27 योग। तो एक डिविजन ऑफ अ डे इन 27 पार्ट्स, अगेन सेम चीज वही 13 डिग्री 20 मिनट्स का, जैसे एक नक्षत्र होता है उतना वैसे ही डिवीजन है 27। तिथि है मतलब जब 12 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं एक सन टू मून के बीच में डिफरेंस, वो एक तिथि कहलाती है, ठीक है। तो सन की मूवमेंट है 12 डिग्री की, वो एक तिथि बन जाती है, सन की मूवमेंट नहीं, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून मूवमेंट व्हेन इट इज 12 डिग्री। अब शुक्ल पक्ष आपने सुना होगा, कृष्ण पक्ष सुना होगा, वो वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून सुना होगा,
जब भी सन एंड मून एक ही डिग्री में होते हैं और एक ही साइन में होते हैं। अब ये अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जब हम पढ़ लेंगे सारी डिग्रीज और पढ़ लेंगे हम सारे वो, ये मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बट अभी जस्ट फॉर द रेफरेंस यू कैन नोट इट डाउन इफ यू विश टू, कि व्हेनेवर सन एंड मून आर इन वन डिग्री और एक ही डिग्री में होंगे, एक ही साइन में होंगे, उस दिन अमावस्या होती है। मतलब मान लीजिए जैसे एरीज में सन एक डिग्री पे है और मून भी एक डिग्री पे है, तो वो उस दिन वो जब भी दोनों एक डिग्री पे आएंगे, और जरूरी नहीं कि एक ही डिग्री पे वही सेम डिग्री हो, 5 डिग्री पे भी आ सकते हैं कहीं पे, कहीं 6 डिग्री पे आ सकते हैं। तो हर महीने हर साइन, जब भी साइन सन चेंज करेगा तो मून उसके साथ आएगा, और एक ही डिग्री विद इन 1 डिग्री होंगे वो लोग, तब उस दिन को, उस टाइम को अमावस्या कहेंगे, उस टाइम पे मून नहीं दिखेगा। एंड वहां से आपका शुक्ल पक्ष शुरू होता है, या आप उसको कह सकते हैं वैक्सिंग ऑफ मून स्टार्ट होती है, और वो शुक्ल पक्ष क्या हो गया, मतलब जैसे 0 to 15 हो गया, मतलब 0 from 0 to 15 तक वो इंक्रीज होता जाएगा मून का साइज, एंड वो पूर्णमासी आएगी 15वें दिन। तो तिथियां हमारे उसमें 15 ही है, 1 से लेकर 15 तक, और वो लेकिन पक्ष दूसरे हैं, पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो पूर्णमासी के बाद भी फिर से वापस से प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है, अमावस्या के बाद भी प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी ये सब स्टार्ट हो जाती है, और तिथि 5 तरीके की है, नंदा भद्रा जया ऋतिका और पूर्णा। तो ये 5 तरीके की तिथियां, इनके अलग अलग मतलब ये पंडित जी यूज करते हैं जब मुहूर्त निकालना होता है, जब कोई आपका मुहूर्त निकालना होगा या कुछ करना होगा तो कौन सी तिथि में, तिथि में कौन सा मुहूर्त निकालना है, किस टाइम पे नंदा वाली वो है, मतलब विद इन अ तिथि, तिथि की डिविजन मतलब ये है, तिथि इतने तरीके की डिसाइड करी गई है कि नंदा है भद्रा है इसमें, मतलब जैसे ऋतिका जो है वो गलत है, उसमें कोई काम नहीं करते हैं, बाकी सारी अच्छी तिथियां मानी जाती है। कुछ तिथियां जो मानी जाती है कि इसमें अच्छा वो है, मतलब दिस इज अ गुड मुहूर्त टू डू, तो ये चीज है। चौथा पार्ट है वार, डे ऑफ वीक, कौन सा दिन है वो वार में आएगा, और फिर पांचवा पार्ट है नक्षत्र। नक्षत्र जो है वो डिविजन ऑफ जोडियाक इनटू 27 पार्ट्स, मतलब हर हमारे 360 डिग्री का जो जोडियाक है उसमें उसको डिवाइड करेंगे हम 27 से, तो उतने 27 नक्षत्र मिलेंगे। कुछ लोग एक और 28वें नक्षत्र की भी बात करते हैं जो अभिजीत करके नाम है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ज्योतिष में वो यूज नहीं होता, वो 27 ही यूज होता है। कुछ एक मेथड्स हैं ज्योतिष में भी जिसमें वो यूज होता है, दैट आई विल टेल व्हेन वी डिस्कवर, व्हेन वी कवर नक्षत्र एज अ टॉपिक जब हम करेंगे तब। तो ये पंचांग हो गया, पंचांग हो गया, बहुत सारी जगह इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि हमारी कोई फिक्स्ड नहीं है, तिथि इज नॉट इक्वल टू डे, वो 24 आवर्स का कोई फिक्स्ड नहीं है, वो सन और उसकी मूवमेंट पे है, कभी सन मून फास्ट चलेगा, कभी मून स्लो चलेगा, कभी वो, एंड इसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, इसीलिए वो तिथि के जो टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग है। अब जिस भी तिथि में मान लीजिए जैसे सनसेट के बाद तिथि एंड हो रही है, सनराइज के बाद तिथि एंड हो रही है, तो और नई तिथि सनराइज और सनसेट के बीच में शुरू हो रही है, तो उसको हम उदया तिथि मानते हैं, तो मतलब जो तिथि चेंज हो जाएगी और हम बोलेंगे उदया तिथि लग गई है, तो इस टाइम जैसे बोलेंगे बहुत सारे लोग कि रक्षाबंधन अभी जैसे आ रही है, तो रक्षाबंधन जो है दोपहर 12 बजे तक ही है, मुहूर्त जो है दोपहर 12 बजे से पहले पहले ही राखी बांधनी है, अदरवाइज राखी नहीं बांधेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा पता नहीं, बट देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। अगर रक्षाबंधन है तो कभी भी राखी बांधो, हर साल राखी बांधो, रोज राखी बांधो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो उसी दिन बांधनी है, नहीं तो वो रावण सूर्पनखा ने रावण को राखी बांधी थी और वो उस तिथि चेंज हो गई थी तब बांधी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा सब बकवास स्टोरीज है। तो खैर एनीवेज वी नॉट गेट इनटू दैट, बट इसीलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि तिथि इज नॉट इक्वल टू डे, तिथि अलग अलग होती है। अब हम अगर थोड़ा सा अगर अपने फेस्टिवल्स भी देखेंगे किस तरीके से हमारे सारे फेस्टिवल्स जितने भी हैं वो सन और मून की मूवमेंट के बेसिस पर ही हैं, और उसमें भी सन की मूवमेंट पे सिर्फ हमारे 2 ही फेस्टिवल बनाए जाते हैं, बाकी सारे फेस्टिवल मून की मूवमेंट मून के ही बेसिस पे ही मनाए जाते हैं। 2 फेस्टिवल सन की मूवमेंट, और सन की मूवमेंट को हम बोलते हैं संक्रांति, मतलब बेसिक संक्रांति जो है वो सन की मूवमेंट को बोला जाता है हिंदी में, कि कोई संक्रांति क्या, संक्रांति मूवमेंट ऑफ सन। अब जब भी सन किसी भी राशि में एंटर करता है, सन क्या है, सन टेक्स 30 डेज टू चेंज इट्स साइन, मतलब हर राशि में
वो 30 दिन तक रहता है और फिर अपना साइन चेंज करता है, दूसरी राशि में जाता है। तो हर पूरे साल में 12 साल में 12 राशियां कवर करके वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है सन। तो वो जब 30 दिन लेता है एक राशि में, तो 30 दिन मतलब हमने पढ़ा था हर जोडिया की मेजर कितना है 30 डेज, और सन कितने दिन सन मूव करता है 30, मतलब वो 30 डेज 30 डिग्रीज है, वो 30 डिग्रीज मूव करेगा एक महीने में, विच अप्रोक्सीमेटली मीन्स सन मूव्स 1 डिग्री पर डे। तो 1 डिग्री पर डे वो सन मूव करेगा धीरे धीरे, तो 1 डिग्री पर डे सन मूव करता है। एंड जब सन मूव करके व्हेन सन एंटर्स मकर राशि और कैप्रिकॉर्न, तो उस दिन हम लोग संक्रांति बनाते हैं और मकर संक्रांति बनती है। ये 14 जनवरी को ही बनती है, 14 जनवरी 15 जनवरी को ही बनती है। बहुत सालों बाद करीब 70-72 सालों बाद ये डेट चेंज करेगी, 14 से 15 होगी। अभी हम 14 तारीख को ही मकर संक्रांति बना रहे हैं, तो ये उतने दिन बाद क्यों चेंज करेगी, जब हम वो पढ़ेंगे आयाश पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको उतने दिन बाद क्यों डेट चेंज करेगी और कितना टाइम लगता है उसको डेट चेंज करने में। हर रोज ऐसा नहीं मूव कर रही, लेकिन वो तिथि चेंज नहीं हो रही, हमारे हिसाब से वो तिथि चेंज नहीं हो रही, उस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेकंड्स का फर्क हर साल आ रहा है, बट वो जब तिथि चेंज हो जाएगी तब हमारा दिन चेंज हो जाएगा, 14 की जगह हम 15 कर लेंगे, तो अभी मूव कर रही है। इसी तरीके से जब 14 अप्रैल को सन एंटर करता है एरीज में, हमारे हिसाब से सन जब एंटर करेगा एरीज में मतलब वो बैसाखी कहलाई जाएगी। बहुत जगह न्यू ईयर भी बनाया जाता है उसी टाइम पे, और वो न्यू ईयर कब बनाया जाता है, न्यू ईयर का मतलब पहला, जैसे वेस्ट ईस्टर्न कंट्रीज में उसको पहला वैशाख बोलते हैं बंगाली कल्चर में, तो पहला वैशाख का मतलब पहला वैशाख, और वो हैप्पी न्यू ईयर बंगाली कैलेंडर के हिसाब से। तो वहां पर और यहाँ नॉर्थ में हम लोग बैसाखी मनाते हैं पंजाब वगैरह में सब जगह, क्योंकि फसल कटने का टाइम होता है वो सारी चीजें। और फर्स्ट नवरात्र कब आती है, जब फर्स्ट नवरात्र आती है वो हमारा टाइम है हमारे लिए, वो विक्रम संवत का न्यू ईयर है। वो कब है, जब सन और मून पाइसेस में होते हैं विद इन सेम डिग्री, मतलब जब सन पहली अमावस्या आती है मार्च के महीने में आएगी 14-15 के आसपास ही, मतलब मिड मार्च के अंदर ही आता है ये, मतलब 15 से 20-21 के बीच में आएगी वो विक्रम संवत का फर्स्ट नवरात्र, जब भी आएगी मार्च वाली उस टाइम पे हमारी विक्रम संवत का न्यू ईयर स्टार्ट होता है, वो हम लोग नया साल वो मनाया जाता है। हम लोग तो 31 दिसंबर को मना लेते हैं पार्टी वार्टी करके, बट एक्चुअल जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से, जो हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से जो बनाया जाता वो विक्रम संवत, जो एक और ये विक्रम संवत एक कैलेंडर है, और भी 2-3 कैलेंडर हैं उसमें जो यूज होते हैं, बट हम लोग ना विक्रम संवत यूज करते हैं ना हम कोई और दूसरा यूज करते हैं, वी यूज आर जॉर्जियन कैलेंडर विच इज योर इंग्लिश कैलेंडर, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर उसी से बेस्ड है, सारा टाइम मेजरमेंट उसी से बेस्ड है, हम लोग इस टाइम को मेजर नहीं करते। और ये बिल्कुल हमारा बहुत काफी साइंटिफिक मेजर था, बट क्या था कि विद इन इंडिया ही 2 घंटे का डिफरेंस है फ्रॉम योर असम टू गुजरात, और सनराइज इन असम में नहीं मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज है उसमें, और गुजरात में भुज में प्रॉब्ली ले लो आप वहां पे सनराइज में, देयर इज अ 2 आवर्स ऑफ डिफरेंस, तो हमारे तिथि का तो चेंज ही हो जाएगा, हर जगह तिथि चेंज हो जाएगी। और पंचांग आपको हर जगह के हिसाब से मिलेगा पंचांग, अगर आपको ऐसा नहीं है इंडिया का एक पंचांग है, एवरी सिटी है वुड हैव अ पंचांग, डिफरेंट पंचांग बेसिस देयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो वो सारी मेजरमेंट आपको अलग अलग उसमें मिल जाएंगे, लेकिन अब जरूरत नहीं है उसकी हाथ से देखने वाली, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, आपने प्लेस लैट लॉन्ग डाला आपको सारा पंचांग मिल गया किसी भी जगह का कहीं पर भी कितने भी टाइम के लिए, आपको आज से 50 साल पहले का पंचांग देखना वो भी आप देख सकते हैं, 50 साल आगे का देखना वो भी देख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं है अब बिकॉज टेक्नोलॉजी का यूज है, तो हम लोग वही करेंगे। ये असेंडेंट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि कैसे होता है असेंडेंट। अब हम आपको ये तो है नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप कल जो हमने पढ़ा, दिस वी नो दिस वी ऑल नो, इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक, एनी डाउट ऑन हाउसेज और एनीथिंग, नो डाउट ऑन हाउसेज एंड एवरीथिंग, वेरी गुड। नहीं सर, बहुत बढ़िया, इसमें होना भी नहीं चाहिए कुछ, अभी तक तो हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसमें डाउट है, बहुत सिंपल सिंपल किया। अब ये देखो साउथ इंडियन हॉरोस्कोप, ये बहुत सारे जगह पे आपको इस तरीके से मिलेगा, ये स्क्वायर शेप, और ये हर बुक में भी तीनों तरीके से समझाया जाता है, एटलीस्ट 2 तरीके से समझाया जाता है कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। इफ यू हैव विजिटेड एनी
नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, जो नाड़ी मतलब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दो तरीके की होती है, एक होती है जीव नाड़ी एक होती है अजीव नाड़ी। तो जीव नाड़ी और जो उस पे लीव्स पे लिखा हुआ है जो आपका फ्यूचर, वो दैट इज योर जीव नाड़ी। तो जो वो अगर आपने कभी कराया हो या किसी साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो तो वो आपको ऐसे वाला देता है, वो उसमें आपका ये साउथ इंडियन हॉरोस्कोप के स्टाइल में आएगा वो। और उस साउथ इंडियन और हमारे उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे उसमें हाउसेस फिक्स्ड हैं, मतलब 1 2 3 4 हाउसेस फिक्स्ड हैं, उसमें हाउसेस फिक्स्ड नहीं है। उसमें साइंस फिक्स्ड है, मतलब राशियां फिक्स्ड है, एरीज से स्टार्ट होगा, एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर लियो वर्गो इस तरीके से। हमारे उसमें उल्टा चलता है, 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। और ये साइन सारे फिक्स्ड हैं बिल्कुल पूरे। और फर्स्ट हाउस जहां पर भी लग्न हो, जो भी लग्न होगा उसमें एक ऐसा क्रॉस पड़ा होगा, और या फिर उसके अंदर यहाँ पे आपका एल लिखा होगा, एल ए लिखा हो सकता है, ए एस सी लिखा हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट, ये ए सी यहाँ पे नहीं है, ए सी इज वर्गो में ए सी होना चाहिए असेंडेंट, दिस इज योर फर्स्ट हाउस। तो ये फर्स्ट हाउस जैसे यहाँ पे जब भी ऐसा क्रॉस पड़ा होगा दैट इज योर फर्स्ट हाउस। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हाउसेस फिक्स नहीं है, हाउसेस चेंज होते रहते हैं, सारी चीजें सही है, ये सब इस तरीके से बना हुआ, लेकिन मतलब वही है। हाउसेस का मतलब जो हम पढ़ेंगे सेम हाउसेस का मतलब इसमें है, साइंस का जो हम मतलब पढ़ेंगे, असेंडेंट का जो मतलब पढ़ेंगे सेम असेंडेंट का मतलब इसमें। तो मीनिंग डजंट चेंज, इट इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द हॉरोस्कोप, दैट्स इट। So one question from my side, in the South Indian horoscope, if Virgo is the ascendant, so that will be the first house, right? And that will be the first house, yes. Libra first, second, third, Libra will be second. First, second, third, fourth, third. Clockwise direction it will move. Clockwise direction, right? Okay. Houses also will move in clockwise direction. Signs also are in clockwise direction. So ye fark ho gaya dono mein, South Indian and North Indian mein. There's not much of a difference, but this is how it will change. Now this is East Indian horoscope, very, very rarely used. Even the East Indians are using the North Indian horoscope. Even most of the South Indian also now are using the North Indian horoscope. There are very few teachers who are left with who are teaching South Indian horoscope. Especially they are teaching, but वो वही अपना South में ही मिलेंगे ज़्यादातर पढ़ाने वाले, and they generally teach South Indian horoscope. And इसमें क्या है, इसमें signs are fixed. ये थोड़ा उल्टा है, मतलब ये दोनों mix हैं. साइंस फिक्स्ड है, हाउसेस वही असेंडेंट जहां पे लिखा वो है असेंडेंट है, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाउसेस है, मतलब मिक्स है। मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी नॉर्थ इंडियन के हिसाब से, साइंस फिक्स्ड जो है वो साउथ इंडियन के हिसाब से है। तो ये दोनों चीजें मिक्स होके ये दिस इज हाउ इट हैज बीन मेड, ईस्ट इंडियन हॉरोस्कोप। अगेन आई लाइक आई सेड, वेरी फ्यू पीपल यूज ईस्ट इंडियन हॉरोस्कोप, तो ये बोलोगे। अब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अभी तक किसी को एनी डाउट ऑन एनीथिंग, साय नारायण हम लोग कल पढ़ेंगे, और अब आज हम पढ़ेंगे इसमें हाउस सिग्निफिकेंस। तो अभी तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट एनीवन? नो सर। नहीं सर। सब सबको सबको समझ में आ गया? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को एक डाउट है कि आपने इतने बाल क्यों कटाए? कौन सी? आपने अपने सिर पे एकदम उस तरह ही फिरवा दिया, क्या डाउट है? उस तरह, अच्छा ये तो नया, मतलब ये समझ, ये एक आपने वो सुना है ना, वो बिल्ली जब वो दो बंदरों की लड़ाई हो रही होती है, खुशकी लड़ाई हो रही होती है, तो वो किसी दो हिस्से करते हैं कि एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया, तो ऐसी था, खुद ही शुरू किया तो बैठा नहीं, फिर मैं कहा कुछ केस बिगड़ गया, तो वो कहते ना केस बिगड़ गया तो फिर उसको हमें ठीक करना पड़ा, लेवल करना, कटने की कोशिश कर गया। हाँ मतलब वही है, जिसका काम उसी को साथ, अब नहीं है तो नहीं जा सकते अब आजकल किसी के पास, तो कोशिश खुद ही करी, फिर वो गड़बड़ हो गई, तो एक्सपेरिमेंट वेंट रॉन्ग, तो गिव अप बर्थ टू न्यू लुक। चलो ठीक है, सर सूट कर रहा है, सूट कर रहा ना, हाँ बिल्कुल ठीक। तो मैंने तो अपना फेसबुक पर डाला भी है, द मॉन्क हू परचेज्ड दिस सफारी,
तो सोल्ड इज राइट है परचेज इज राइट। तो चलिए जी अब ये शुरू करते हैं हम लोग इसमें हाउस। अब हम पढ़ेंगे हाउसेस का सिग्निफिकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन ही चीजें मैंने आपको बताई थी हमारे उसमें ज्योतिष में जो है, जिससे हमारी पूरी ज्योतिष है। वन इज योर हाउसेस, वन इज योर प्लैनेट्स एंड वन इज योर साइंस, राशियां। राशियों के अंदर ही नक्षत्र आ गए और उसके बाद आगे डिवीजन। तो ये ऐसी चीज है, साइन हाउसेज ऐसी चीज है और साइंस ऐसी चीज है, मतलब राशियां भी और हाउसेज भी, जिसमें कोई डिबेट नहीं है। मतलब फर्स्ट हाउस क्या किस चीज के लिए स्टैंड करता है, वो एक क्रॉस सारे पंडित जितने हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो भी रिसर्च करी है सब वही मानते हैं, एग्जैक्टली सेम, किसी का कोई डिबेट नहीं। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सबका सब एक मत है, तो उसमें कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, पॉइंट ऑफ वो नहीं है। आप लोगों को ये सारे सिग्निफिकेंस बहुत ध्यान से देख सुनने, ध्यान से याद करने, ये सारे सिग्निफिकेंस याद हो जाए। अगर ये सिग्निफिकेंसेस याद हो जाएंगे आपके हाउसेस के, तो आप आगे चल के जब हम नाड़ी वाला वो करेंगे तो आप पता होगा कौन सा हाउस किस चीज का एंड देयरफॉर क्या हुआ, किस हाउस से क्या चीज देखनी है हम। तो अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस असेंडेंट का हाउस होता है हमारा, असेंडेंट उसमें हम प्लेस करते हैं, तो फर्स्ट हाउस को हम बोलते हैं लग्न हाउस। तो ये लग्न है। अब असेंडेंट और लग्न में बड़ा फर्क है, एक और बड़ा, जैसे मैंने आपको ज्योतिष और उसके अंदर फर्क बताया था एस्ट्रोलॉजी में पुनर्जन्म और वाला, वैसे ही फर्क लग्न में और असेंडेंट कहने में। ऑल्दो हम लोग एक ही से ऑल दोस थिंग्स इन द सेम ब्रेथ, बट इट इज डिफरेंट। हाउ इज इट डिफरेंट? Ascendant मतलब rising in the east, the which whatever sign is rising in the east is called ascendant. Lagna क्या है? Lagna is the something which joins. हमारे हिसाब से पुनर् पिछला जन्म और ये वाला जन्म का जो joining वो है, जो join करके जो वापस continuation में है, वो lagna है। Break up, break off ही बनाई है। तो ये difference है दोनों में, lagna और उसके अंदर ascendant में। तो विद लग्न इज विद समथिंग विद जॉइंट्स, विद जॉइंट्स मतलब कहां से ज्वाइन करेगा, किसको ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन करेगा पिछले से, पिछले जन्म को इस जन्म से ज्वाइन करने वाला जो साइन है, जो राशि है, वो आपका लग्न है। तो ये आप जब हम पढ़ेंगे दशाएं समझेंगे तब भी हम समझेंगे दशा का, मतलब आप बैलेंस दशा में पैदा होते हैं किसी में तो वो कैसे हम देखते हैं क्या है, वो चीज हम दशाओं में करेंगे, बट हाँ, बट इट्स ऑल रिलेटेड। सो फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, लग्न हाउस है ये आप है, मतलब फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस सिग्निफाइज यू एज अ पर्सनैलिटी। यू एज अ पर्सनैलिटी को अगर जब फर्स्ट हाउस सिग्निफाई करता है, इसका मतलब है आपकी सारी चीजें, आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल फर्स्ट हाउस ही करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है हमारा पूरी 12 हाउस में से, और ये क्योंकि हर चीज का प्रोमिस आपकी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है, आप कितना जिएंगे, कि कब कब आपकी मृत्यु होगी, कब नहीं होगा, आपका सब कुछ, आपकी आपकी लाइफ में शादी का प्रॉमिस है कि नहीं, आपकी लाइफ में बच्चों का प्रॉमिस है कि नहीं, आपकी लाइफ में पढ़ाई का प्रॉमिस है कि नहीं, आपकी लाइफ में कोई धन कमाने का प्रॉमिस है कि नहीं। तो सारे प्रॉमिसेस जितने भी हैं लाइफ के, एक तो है जिस चीज का हाउस है, मतलब जैसे शादी का प्रॉमिस है कि नहीं, तो हम सेवंथ हाउस भी देखेंगे और फर्स्ट हाउस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस देखेंगे कि लग्न प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, लग्न आपको वो चीज दिलाएगा इस जीवन में कि नहीं दिलाएगा, तो दैट इज सीन फ्रॉम फर्स्ट हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये कैसे देखना ये हम बाद में करेंगे, बट ये लग्न ये प्रॉमिस दिखाता है, ये सारी चीजों के प्रॉमिसेस बताता है कि हाँ ये प्रॉमिस, ये इनकी जातक की जीवन में शादी का सुख है कि नहीं, बच्चों का सुख है कि नहीं, घर बनाने का सुख है कि नहीं, प्रॉपर एवरी ऑल इवेंट्स इन लाइफ are first seen from the first house and then from the house which denotes that particular activity or event in your house, in your life. So first is lagna house, ye personality batata aapki, aapki physical build kaisi hogi, aapki height kitni hogi, aapka facial expression, aapka impression, aapka appearance kaisa hoga, ye aapka first house batata. Ab isme hum log sare, ab maine bataya aapka houses jo hai na, ye aapko jo cheez aapki aankhon se visible hai, जो भी चीज आप देख सकते हैं इस लाइफ में, हर चीज को एक हाउस के अंदर आप डाल सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यू कैन राइट दिस सेंटेंस समवेयर, एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज,
साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज जब बोलते हैं, मतलब कोई दो चीजें सिमिलर है तो हम उसको उसी के साथ जोड़ के देखने लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी चीज सिमिलर दिखती है फर्स्ट हाउस, हम उसको उसी चीज में जोड़ के देखने लगेंगे, ये वाला हाउस इस चीज को डिनोट करेगा। अब अगर आप बॉडी पार्ट को देखेंगे तो हर बॉडी पार्ट आपका जो है किसी न किसी हाउस के साथ अटैच्ड है, किसी न किसी हाउस से देखा जाएगा। जब हम हेल्थ पढ़ते हैं, हेल्थ के ऊपर जब एडवांस में देखते हैं कि किस किस बॉडी पार्ट की डिजीज कब होने की संभावना है, तब हम ये हाउसेस का ये बॉडी पार्ट उसमें बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं। तो अब आपको बिल्कुल ईजी तरीका बताता हूँ बॉडी समझने का, किस तरीके से समझना। आप अपने बॉडी को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए सर से लेके नीचे तक। तो फर्स्ट हाउस जो स्कल है आपका पूरा फुल, मतलब ये इसको हम होल बॉडी भी बोल सकते हैं एक तरीके से, लेकिन ये मेजरली स्कल ब्रेन आपका जो हेड वाला जो पोर्शन है वो ये सर सर वाला जो पोर्शन है सिर्फ यही आपका फर्स्ट हाउस है। सेकेंड हाउस आपका फेस हो गया, बोलने वाला हो गया सिस्टम। ये थर्ड हाउस नीचे आ गया, फिर फोर्थ हाउस और थोड़ा नीचे, फिफ्थ हाउस आपका स्टमक पे आ गया, सिक्स्थ हाउस और थोड़ा नीचे आ गया इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये सब, सेवन्थ हाउस और नीचे आ गया आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके जो यूट्रस और ये सारी चीजें आती है मेल ऑर्गन्स, एट्थ हाउस और नीचे। इस तरीके से आप नीचे धीरे धीरे नीचे करके जाएंगे, आप पूरा बॉडी को 12 हिस्सों में डिवाइड करके वो वाले बॉडी पार्ट्स आप उसमें डाल सकते हैं। इट इज ईजियर टू रिमेम्बर दैट वेस रादर देन रिमेम्बरिंग द बॉडी पार्ट। और ये आपकी ये भी बताएगा कि आपको फर्स्ट हाउस कि आप कितने खुश रहेंगे, आप कितने दुखी होंगे, आपकी कितनी एज है, आपकी लॉन्गेविटी ने मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस फर्स्ट हाउस है। आपका अपीयरेंस, कम्प्लेक्शन, आपका नेचर, ये सारी चीजें लग्न में देखेंगे। और जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं उसमें भी जो क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हाउस, क्वेश्चन ही लग्न को हम क्वेश्चन को ही लग्न बनाते हैं तो वो अलग है। सो दैट इज फर्स्ट हाउस। अब क्या है, अब एक और इजी तरीका आपको, हमने कल साइंस पढ़े थे सारे के सारे, हर साइन का एक स्वामी है, एक लॉर्ड है, ठीक है, और हर हाउस का भी एक लॉर्ड है, दोनों सेम। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मार्स, और फर्स्ट साइन हमने कौन सा पढ़ा था, क्या होता फर्स्ट साइन, एरीज का लॉर्ड भी मार्स है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये याद रखना कि कौन, जब हम लॉर्ड की बात करेंगे, लॉर्ड मतलब समझ लीजिए मालिक है, लॉर्ड मतलब समझ लीजिए मैं वो राशि को रूल करता हूँ, तो रूलिंग प्लैनेट, रूलिंग हाउस, तो ये मार्स इज द प्लैनेट विच विल रूल फर्स्ट हाउस, मार्स इज द प्लैनेट विच विल रूल फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइन बोले तो एरीज, ये एरीज और फर्स्ट, ये दोनों याद रखना। हम लोग अभी मैं लॉर्डशिप अलग से नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ इसके अंदर में ताकि याद करने में आसानी हो। तो फर्स्ट इज फर्स्ट साइन का लॉर्ड मार्स, वो हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड हाउस। तो फर्स्ट हाउस किस चीज को डिनोट करता है, आपने अगर शॉर्ट में याद रखना हो, एक दो चीजों में याद रखना हो, तो वो सेल्फ को डिनोट करता है, हमारे पूरी हमारे लाइफ के सारे इवेंट्स को डिनोट करता है। सो दैट इज फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस को हम बोलते हैं धन भाव। सेकेंड हाउस जो है वो धन भाव है, वो आपकी फैमिली को डिनोट करता है। फैमिली को मतलब इसमें फैमिली को अगर हम बोलेंगे तो फैमिली कंप्लीट नहीं, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा, न्यूक्लियर फैमिली आप बोल सकते हैं। मतलब इसमें ये डिनोट्स न्यूक्लियर फैमिली और हस्बैंड वाइफ बच्चे को डिनोट करेगा ये, और ये धन भाव है। धन भाव मतलब वेल्थ, तो आपकी जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो लिक्विड वेल्थ है आपके हाथ में, उसको डिनोट करेगा, और नॉलेज को डिनोट करें, तो मतलब नॉलेज जिसको आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही लिक्विड, मतलब अगर आप समझेंगे लिक्विडिटी नॉलेज क्या है, वही जो नॉलेज आप यूज कर रहे हैं, जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी नॉलेज हो गई, जिसको आप काम में ला सकते हैं वो नॉलेज हो गई। अब आपने टेंथ और ट्वेल्थ में जो पढ़े थे, जो कॉम्प्लेक्स थ्योरम पढ़े थे, जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला रहे, तो वो इस हाउस से नहीं हम पढ़ेंगे, बट जो जो भी चीज आपने पढ़ी थी, जिसको आप आज की लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो वाली नॉलेज, वो आपकी एक्युमुलेटेड नॉलेज सेकंड हाउस से देखी जाएगी। सारा धन, जो भी धन है आपके, जितने आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जितनी एफडीआ बना रखी है, जो कैश पड़ा आपके घर में, जिसको आप कभी भी इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं, वो लिक्विडेटेड जो है वेल्थ है,
वो आपके सेकंड हाउस से दिखेगी और सेकंड हाउस से ही आपका नॉलेज दिखेगी, आपकी सारी की सारी नॉलेज जो है वो सेकंड हाउस से आएगी। तो प्रेशियस स्टोन्स हो गए, जितने हीरे जवाहरात जितने आपके पास है, जितनी ज्वेलरी आपके पास है, वो सारी की सारी सेकंड हाउस से आएगी। इसमें आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम आता है, वो जस्ट फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स मतलब अगर आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो आपका सेकंड हाउस से डिपेक्ट होगा। फूड हैबिट्स से मतलब हो गया आपका कि आप ज्यादा खाएंगे कम खाएंगे। जो लोग ओबीज होते हैं उनका भी हम लोग सेकंड हाउस से काफी हद तक देख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत बुरी आदतों में पड़ते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, तो उनका भी हम देखते हैं कि वो सेकेंड हाउस से ही हम चेक कर सकते हैं कि उनकी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग डिसऑर्डर कैसे होंगे। अगर वो मेलिफिक्स से इन्फेक्टेड है, मतलब वो हम मेलिफिक्स से क्या इन्फेक्टेड है, जब हम वो पर प्लैनेट्स पढ़ेंगे तब हम ये हाउसेस के बारे में आपको मैं रेफरेंस देता रहूँगा उस टाइम पर भी। इनफैक्ट हाउसेस को हर समय यूज करेंगे। इन ऑल आर डिस्कशन वी विल यूज हाउसेस। इट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी से सेकंड हाउस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स धन भाव, इट मीन्स फैमिली, इट मीन्स वेल्थ, इट मीन्स एक्युमुलेटेड वेल्थ। सारा एक्युमुलेटेड वेल्थ और नॉलेज ये बताता है। तो ये चीज याद रखने की बहुत जरूरी है। तीन चीजें, मतलब फैमिली, आपका एक्युमुलेटेड वेल्थ, एक्युमुलेटेड नॉलेज और फूड हैबिट्स एक छोटी सी चीज होगी। और इन सब चीजों के गेन और इन सब चीजों का लॉस भी इसी से बताता है। और स्पीच भी सेकेंड हाउस में आपकी डिनोट होती है। सेकेंड हाउस से आप क्या बोल रहे हैं वो भी आपका सेकेंड हाउस बताएगा। सो फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस ये दो चीजें होंगी। थर्ड हाउस और दिस इज रूल्ड बाय वीनस। और सेकेंड राशि कौन सी हमारी? टॉरस। टॉरस, तो टॉरस का भी रूलर वीनस है और सेकेंड हाउस का भी रूलर वीनस है। तो टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस। क्यों रूल्ड बाय या लॉर्डशिप्स, एक ही बात है, एक ही वर्ड है। मालिक उनका कह लो, उनका स्वामी कह लो, उनका राशियों के स्वामी होते हैं, राशियों के जैसे घरों के स्वामी है। अब अगर वीनस किसी का सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो हम बोलते हैं, और सेकंड साइन में प्लेस्ड है, सेकंड साइन में प्लेस्ड है, तो हम बोलेंगे वीनस शुक्र जो है स्वग्रही होकर स्वराशि में बैठा, मतलब अपने घर में अपनी ही राशि के अंदर है, उसका मतलब ये है। अप्रैल का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? किसका? अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल, AWPARL। अपैरल कपड़े। आपके कपड़े कैसे पहनते हैं आप, क्या आपके वो है, क्या खाना खाते हैं, क्या ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, रोड्स बनी, ये बहुत सारे और मतलब, और इसमें मतलब हर हाउस में जो है ना आप एक किताब लिख सकते हैं, इतनी चीजों को आप डिनोट कर सकते हैं एक हाउस से। बट हमने उतना ज्यादा डिटेल में लिखा, हमें जो रेलिवेंट है जितनी यूज आप करेंगे, जितना याद रख सकते हैं इमीडिएटली वो आपके लिए ये है। हमें इतना ही समझना है आना कि सेकंड हाउस जो है वो धन, फैमिली, वेल्थ, इन सब चीजों पर आएगा। आपकी सारी ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट भी इसी में शामिल है सेकंड हाउस में। एंड दिस इज रूल्ड बाय वीनस, ये हमें याद रखना है बस। थर्ड हाउस बड़ा ही सिंपल, पराक्रम भाव भी बोला जाता है थर्ड हाउस को, या सहज भाव भी बोला जाता है। ये डिनोट करता है आपके नेबर को, आपके नेबर कैसे रहेंगे, आपकी बिल्डिंग में कैसे लोग हैं, क्या नहीं है, ये भी थर्ड हाउस से देख सकते हैं आप। ब्रदर्स और सिस्टर्स को बताता है ये। मेन है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स आपको याद रखना है। नेबर आप याद रखो मत रखो, बट सिबलिंग्स आपको याद रखना। और क्या क्या याद रखना मैं बताऊंगा फाइनल में, बाकी पहले बोल्डनेस, करेज, ब्रेवरी, डेयरिंग, डैशिंग नेचर, ये सारी चीजें आपकी सेकेंड थर्ड हाउस से पता लगेगी। आप कितने बोल्ड है, कितना आप उसमें आपके अंदर क्या मतलब आप कैसे दिखा रहे हैं, मतलब अपनी बोल्डनेस और करेज किस चीज पे, वो सारा चीज आपका थर्ड हाउस पे डिपेंड करेगा। फिर शॉर्ट ट्रैवल, आप कितना ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल यहाँ पे हम लोग, मैं आपको बता दूं, ट्रैवल विल नॉट मीन, ट्रैवल का मतलब क्या है ज्योतिष के उसमें कंटेक्स्ट में, ट्रैवल डज, शॉर्ट ट्रैवल डज नॉट मीन ट्रैवलिंग फ्रॉम से नोएडा टू गुड़गांव इन दिल्ली, और मे बी फ्रॉम पनवेल टू मुंबई इन मुंबई स्टैंडर्ड, मतलब आउटस्कर्ट से 50 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे, दैट इज नॉट ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स व्हेन यू, व्हेन देयर इज अ चेंज इन लैंग्वेज, चेंज इन फूड और चेंज इन क्लाइमेट, ये तीन चीजें चेंज होती हैं तो ट्रैवल कहा जाएगा। हाँ आप 200 से 250 किलोमीटर दूर चले जाएंगे एक जगह से, कहीं पर भी इंडिया में, एनी वेयर इन इंडिया,
250 kilometers if you move, that is considered as a travel, because then yes, then you will have a change in food, change in climate, change in language. Everything will be there. ये थ्री लैंग्वेजेस है इंडिया में, इधर सब जगह लोकल चेंज, भाषा भी चेंज हो जाएगी और वो भी चेंज हो जाएगी. इवन इफ यू आर मूविंग विद इन अ स्टेट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मूविंग इन अ यू फ्रॉम यूपी में, अगर आप चलते हैं फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, फ्रॉम गाजियाबाद टू से गोरखपुर और आगे तक जाते हैं और ऊपर तक बहराइच और गोरखपुर गोंडा बस्ती उस तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर पूरे हर 200-250 किलोमीटर बाद यू विल हैव अ चेंज इन डायलेक्ट एंड चेंज इन फूड. So that's even within a state it is valid. But utna travel hona chahiye, that is what travel means, and therefore short travel. So third house will show short travels. Aapka sara communication, sara IT, software, hardware, everything will come under this. Internet, email, ye communication, when we say communication, communication are two types, written and verbal. Dono hi cheeze isme hain, written bhi aayega, verbal bhi aayega. थर्ड हाउस से देखेंगे तो आईटी, इंटरनेट, ईमेल, फोन, सोशल मीडिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, मतलब चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे आपका कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई मतलब ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई चीज हो, सो कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई FIR होती है तो वो डॉक्यूमेंट हो गया, एक FIR होनी भी डॉक्यूमेंट है, तो ये अस्पताल का जो मतलब ये डॉक्यूमेंट, वीजा लगता है आपका तो वो डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट थर्ड हाउस से देखे जाते हैं. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम इवेंट पढ़ेंगे तब समझने में आसानी होगी कि हमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी का कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू भी इसी से देखा जाएगा. तो कम्युनिकेशन का तरीका फॉर्मल कम्युनिकेशन है इंटरव्यू, दैट विल, तो वो हम देखेंगे एसोसिएट करके थर्ड हाउस को 11th हाउस के साथ या 9th हाउस के साथ या 10th हाउस के साथ कैसे देखना हमें, दैट विल लर्न इन एडवांस. बट वो थर्ड हाउस का प्राइमरी हाउस उस चीज का थर्ड हाउस हो जाएगा. तो ये प्राइमरी हाउस, इन सब चीजों के लिए हम प्राइमरी हाउस देखेंगे, कोई इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई अफवाह फैल रही है, अफवाह सच है कि झूठ है, वो चेक करनी हो कभी तो भी हम थर्ड हाउस देखेंगे. बुक राइटिंग, एनी काइंड ऑफ राइटिंग, कोई ऑथर बनना है, उस किसी ने बुक लिखनी है, कोई अकाउंटिंग है, तो ऑल काइंड ऑफ रिटन वर्क, ऑल काइंड ऑफ वर्बल वर्क, एवरीथिंग विल कम अंडर थर्ड हाउस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है. इसमें क्या चीजें याद रखनी है आपने, कम्युनिकेशन याद रखना है, ट्रैवल याद रखना है, ट्रैवल में शॉर्ट ट्रैवल याद रखना है, और आपने याद रखना है सिबलिंग्स. सो सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल, ये तीन चार चीजें ही अगर आप याद रख लें काफी है. ये तीन चार चीजें आपको, एंड इस इज रिलेटेड सारी चीजें, लाइक आई सेड दिस इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज, तो इससे सिमिलर जितनी चीजें मिलेंगी आप उनको इसमें आप डाल सकते हैं. सो ये आपका अब हम नीचे आ गए थोड़े से, अगर आप देखेंगे थर्ड तक आते आते हम इस तरफ तक आ गए हैं गर्दन के तक, तो ईयर, नेक, ENT, आपका शोल्डर, कॉलर बोन, ये आर्म्स, मतलब यहाँ यहाँ तक के आर्म्स, ये सारे इसमें आएंगे, विंड पाइप इसी में आएगा. ये सारी चीजें हम थर्ड हाउस से बॉडी पार्ट भी देखेंगे, रूल्ड बाय मरकरी. अब थर्ड राशि कौन सी थी हमारी, जेमिनाई एंड थर्ड हाउस, बोथ आर रूल्ड बाय मरकरी. उन दोनों के जो राजा है, मालिक है, स्वामी है, वो मरकरी ही है. नाउ वी कम टू फोर्थ हाउस. सर जेमिनी और कौन सा बोला आपने, कन्या, वर्गो, वर्गो, नो जेमिनी ही बोला मैंने, वर्गो का बोला मर्क्यूरी, राइट, मिथुन, मिथुन का जो मालिक है मरकरी है, ऑल्दो वर्गो का भी मालिक मरकरी है, बट अभी हम सिक्स्थ हाउस पे आएंगे तब हम बात करेंगे उसको, अभी नहीं करेंगे, ठीक है. बट हाँ, मरकरी रूल्स थर्ड हाउस, मरकरी रूल्स थर्ड साइन विच इज जेमिनी. तो अब आते हैं फोर्थ हाउस पे. फोर्थ हाउस जो है जनरली, फोर्थ हाउस इज एसोसिएटेड विद मदर, इसको मातृभाव बोलते हैं, इसको हम सुख भाव भी बोलते हैं. आपने बहुत सारे लोगों को ये सुना होगा बोलते हुए, शनि इस भाव में बैठा है और ऐसा हो गया, या फला इस भाव में. भाव का मतलब कुछ नहीं है, भाव का मतलब घर है, हाउसेज जो हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, वही सेम चीज भाव. तो ये मदर इन लॉ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. हाँ, क्यों नहीं, मदर तो मदर ही है. मदर इन लॉ के लिए वैसे हम लोग दूसरा घर यूज करते हैं. मैं आपको बताऊंगा जब हम वो करेंगे कैसे आपको रिलेशनशिप देख लेंगे. रिलेशनशिप किसकी, रिलेशनशिप कैसे देखनी है, बुआ फूफा कैसे देखोगे, ठीक है, वो सब कैसे, बाकी और अदर रिलेशनशिप भी कैसे देख लें,
वो हम बताएंगे, जैसे कि अगर मदर इन लॉ है तो मदर इन लॉ इज योर वाइफ्स मदर, वाइफ इज सेवेंथ हाउस, सेवेंथ का फोर्थ हाउस मतलब सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, टेंथ हाउस से आपकी मदर इन लॉ को हम देख सकते हैं। फादर इन लॉ हम दूसरे सेवेंथ का नाइन्थ, हम ऐसे कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, वो आप देख सकते हैं उससे। तो अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज रहेंगे, वो पहले हाउसेस के बारे में। तो मातृभाव मदर या स्टेप मदर जो है या रिलेशनशिप उनके साथ कैसी रहेगी आपकी, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। प्रॉपर्टी व्हीकल सारे कंफर्ट या डिसकंफर्ट ये सब हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। सुख भाव इसीलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत सारे सारे सुख का मतलब ये वेल्थ और उन सब चीज का कारक है। प्रॉपर्टी कितनी मिलेगी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी आप कितनी बनाएंगे इस जीवन में, कितनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, सब कुछ थर्ड फोर्थ हाउस का मामला है। सारी चीज हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। तो कंफर्ट एंड डिसकंफर्ट जो है वो सारी चीज हम दिस इज योर कंफर्ट, सुख भाव है ना, तो आपकी लाइफ में कितने कंफर्ट मिलेंगे आपको वो सारे हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। डिसकंफर्ट मिलेंगे तो हम भी देखेंगे फोर्थ हाउस से। अब ये तो हाउसेस बता रहे हैं सारी चीजें अपनी, मिलेंगे कैसे क्या होगा ये हम अभी नहीं कूदेंगे उसके उसके ऊपर कि क्या होगा और कैसे मिलेंगे और क्या चीजें, क्योंकि वो सारी देने का काम जो है प्लैनेट्स का और टाइमिंग का काम जो है वो दशाओं का, इसमें और किसी का कोई लेना देना देगा कौन, प्लैनेट्स बताएगा कैसे देगा वो हम बात करेंगे आगे। तो पहले होम रियल एस्टेट जो भी है, ज्वाइंट फैमिली, हमने दो सेकंड हाउस पढ़ा था वो था न्यूक्लियर फैमिली मतलब माँ बेटा बच्चा, ये है ज्वाइंट फैमिली जिसमें सब लोग रह रहे हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली हो गया आपका, आप अपनी मदर के साथ रह रहे हैं बेसिकली ये चीज है, अब अपने घर में रह रहे हैं, होम टाउन भी इसको कह सकते हैं। फोर्थ हाउस मतलब होम टाउन है आपका, कि आपकी होम टाउन हो गया, तो पुश्तैनी घर हो गया, ये सारी चीजें आपके फोर्थ हाउस में आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम करना है आपने, ये भी फोर्थ हाउस में आएगा, और आपने अगर कोई होलसेल का काम करना है तो वो भी इसमें फोर्थ हाउस में ही आएगा, होलसेल और एजेंसी वाला काम जो है। इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट है चीज विच इज एजुकेशन, स्कूलिंग तक एजुकेशन मतलब ट्वेल्थ तक की जो एजुकेशन है वो आप फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। एरियाज जो आएंगे बॉडी पार्ट वो चेस्ट और लंग्स, ये सब आएंगे इसके अंदर। अब फोर्थ हाउस से आपने क्या तीन चीजें जो चार चीजें हैं सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है, ये याद रखना कि वो मदर को बताता है, वो प्रॉपर्टी और व्हीकल को बताता है, और वो एजुकेशन टिल ट्वेल्थ को बताता है। ये तीन चीजें अगर आपने याद करनी इतना ही काफी है, यही याद कर लीजिए। मदर रिलेशनशिप मतलब मदर मतलब सब कुछ मदर का, एवरीथिंग फ्रॉम फॉर रिलेटेड टू मदर, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर होम, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टीज एंड व्हीकल, वन कब व्हीकल कब खरीदोगे, कितने खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, सारी चीजें इसमें आएगा। फोर्थ हाउस बताएगा, प्रॉपर्टी का भी सेम बताएगा, और आपका एजुकेशन बताएगा स्कूलिंग तक मतलब आप स्कूलिंग तक 12वीं तक क्या पढ़ाई करोगे, कितनी पढ़ाई करोगे, आपकी पढ़ाई कैसी जाएगी, किस स्ट्रीम में पढ़ोगे, ये सब चीजें फोर्थ हाउस से पता लगेंगी। दिस इज फोर्थ हाउस, इसका रूलर है मून। फोर्थ हमारा साइन था कैंसर, कैंसर का भी रूल, कैंसर इज ऑल्सो रूल्ड बाय मून, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो रूल्ड बाय मून। ये तीन चार चीजें ये हमने जो करी है अभी तक वो याद करनी है, जो लिखी है। फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस पुत्र भाव है, पुत्री भाव भी यही है, ऐसा नहीं पुत्री के लिए अलग है, मतलब प्रोजेनी का भाव है, ये प्रोजेनी का हाउस है, जो बच्चे होंगे बच्चे आपके लाइफ में होंगे कि नहीं होंगे, मतलब जैसे मैंने बोला ना आपके फर्स्ट हाउस से प्रॉमिस देखते हैं, फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि हाँ आपकी लाइफ में किस किन चीजों का प्रॉमिस है, तो फर्स्ट हाउस अगर बता रहा है आपने अगर बच्चे का प्रॉमिस देखना तो फर्स्ट हाउस भी देखेंगे और हम फिफ्थ हाउस भी देखेंगे, दोनों हाउसेज देखेंगे। फिफ्थ हाउस क्योंकि मेन हाउस है, सोर्स है उसका, उस पर्टिकुलर इवेंट का मेन हाउस है, तो फिफ्थ हाउस आपका प्रोजेनी का है, पुत्र भाव पुत्री भाव विद्या भाव बुद्धि भाव है, आप कितने इंटेलिजेंट है ये आपका फिफ्थ हाउस बताए। तो आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस को बोलते हैं कैपेसिटी टू ग्रास्प जो भी आपको व्हाट इज टोल्ड, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज कमांड, ये सारी चीजें मतलब आप ज्योतिष कितना सीख रहे हैं आज की डेट में, वो आपके फिफ्थ हाउस से पता लगेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट और कितना आप ज्यादा ग्रास्प कर पा रहे हैं और कितनी तेजी से आप सीख रहे हैं। तो ये फिफ्थ हाउस उसका भाव है। फिफ्थ हाउस लव का भी है, लव कई तरीके का लव होता है, ये प्लेटोनिक लव का हाउस है, विच इज जिसे बोलते ना एक मदर टेरेसा वाला लव, मदर वाला लव, ये लव फिफ्थ हाउस वाला लव है।
जेनरिक लव का है, मतलब एक भगवान के प्रति लव, भक्ति के लिए लव, मीरा भाई वाला लव, तो ये वो वाला लव है। प्रोजनी है, स्टूडेंट है आपका, ये स्पेकुलेशन और उसका भी हाउस है, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, तो स्पिरिचुअलिटी भी इससे देखेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड भी इसी से देखेंगे, प्रोजनी का हाउस है, मंत्र साधना, वर्शिप ऑफ डेटीज, सेक्रेड हाइंग, डिस्कोर्सेस, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, लव अफेयर। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो इसमें कितनी सारी वैरायटी ऑफ चीजें कवर हो गई। आपका इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट है फिफ्थ हाउस का, कारण सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रोजनी, बच्चे, प्रोजनी हो गया फिफ्थ हाउस। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज इज योर इंटेलिजेंस और लव, इंटेलिजेंस, फिर लव, फिर है स्पिरिचुअलिटी और फिर है स्पेकुलेशन। ये पांच चीजें आप फिफ्थ हाउस से पांच है, पांच चीजें याद कर लीजिए, प्रोजनी, लव, स्पिरिचुअलिटी, आपका इंटेलिजेंस, कितने इंटेलिजेंट आप है, और स्पेकुलेशन। ये सब चीजें आप ये चार पांच चीजें याद कर लीजिए और उससे बताइए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लव, स्पेकुलेशन, मतलब स्पेकुलेशन आपको गैमलिंग, सट्टा खेलना है नहीं खेलना, जुआ खेलना है कि नहीं खेलना, कितना हारेंगे आप, पैसा कहाँ आपका वेस्ट जाएगा, ये सारा का अगर शेयर मार्केट में लगाना चाहिए मुझे कि नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीजें फिफ्थ हाउस के विद रिस्पेक्ट टू फिफ्थ हाउस देखेंगे। और ये कोई भी हाउस, मैं एक और चीज आपको बताऊँ, ये सोर्स हाउस है, सब कुछ है, बट ये अकेला इवेंट देने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है इसका, किसी का भी नॉट, मतलब सिंगल प्लैनेट, सिंगल हाउस, ये कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक ये, क्योंकि एवरी इवेंट इन योर लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस। नुकसान होना है तो उसका, उसको एक हाउस, किस चीज का नुकसान होना है वो दो, एक नुकसान का हाउस और एक जिस चीज का नुकसान होना, वो दोनों मिलेंगे तभी नुकसान होगा। इसी तरीके से गेन है, दो हाउसेस मिलेंगे तब गेन होगा, दो या तीन हाउस कॉम्बिनेशन बनेंगे तब गेन होगा, तो वो हमें देखना, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से होता। फिफ्थ हाउस इज रूल्ड बाय सन, और फिफ्थ राशि जो थी वो थी हमारी लियो, तो लियो इज ऑल्सो रूल्ड बाय सन एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो रूल्ड बाय सन। तो अब ये हमें लॉर्ड जो है, लियो का लॉर्ड सन है, इतना याद रखना। फिफ्थ हाउस भी, क्योंकि फिफ्थ साइन है हमारा लियो, इसलिए हाउस भी इज ऑल्सो रूल्ड बाय सन। ऐसा जनरली बोला जाता है कि अगर जो भी ग्रह जिस भी हाउस में है, वो उसका अगर अपना हाउस है और उसका वो अपने ही राशि में बैठा है, मतलब जो मान लीजिए फिफ्थ हाउस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर पांच लिखा हुआ है, मतलब राशि आपकी लियो है और उसी के अंदर सन प्लेस्ड है, विच मीन इट्स अ वेरी गुड, सन विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। अब वो उतनी सी चीज देख के लोग बहुत सारी चीजें जोड़ लेते हैं उसमें, सन मेरा स्पेकुलेशन में भी, मेरा तो सन वहां बैठा इसलिए मैं स्पेकुलेशन भी जीत सकता हूँ, सारी स्पेकुलेशन करूंगा वो जीत जाऊंगा, गैम्बलिंग जीत जाऊंगा, ठीक है, मेरे बच्चे भी बड़े प्रतापी होंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक हाउस और एक प्लैनेट को देख के कोई भी निष्कर्ष निकालना बचपना होगा, मतलब विच इज नॉट राइट टू डू। सेकेंड इज, नाउ वी कम टू द सिक्स्थ हाउस। छठा हाउस जो है ये बहुत ही सिंपल, इसको याद करने का मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ, बड़ा आसान है, इसको अंग्रेजी में याद करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में याद करिए, ऋण रोग शत्रु। ऋण रोग शत्रु, ऋण मतलब डेट हो गया, रोग मतलब इलनेस हो गई, और डेट मतलब, शत्रु मतलब एनिमीज हो गया, तो आपका सारा डेट, इलनेस एंड एनिमीज, ये सारी चीजें आपका सिक्स्थ हाउस बताता है। तो ये शत्रु भाव बोला जाता है इसको, रोग भाव भी बोला जाता है, सारी बीमारियां, आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे वो सिक्स्थ हाउस से आपको देखना होगा। सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं हर किस्म की बीमारी, चाहे वो आपके मेंटल बीमारी हो, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो, ये सारी बीमारियां हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। ये बुरा हाउस है, सर्वेंट्स भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, जॉब आप करेंगे ये भी हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। तो सिर्फ दो चीजें, मतलब इसमें जो दो मोटी मोटी चीजें याद रखनी है, ऋण रोग शत्रु और जॉब, मतलब नौकरी, बिजनेस नहीं, जॉब। आप नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे, नौकरी आपको सूट करेगी कि बिजनेस सूट करेगा,
ये सारे सवालों के जवाब जो है ये हमें सिक्स और सेवेंथ हाउस को देख के बताने पड़ते हैं। तो सिक्स हाउस इज योर मतलब ऋण, बुरा हाउस माना जाता है, ऋण रोग शत्रु माना जाता है, लेकिन बुरा नहीं है, सिर्फ सिर्फ बुरा नहीं है, ये आपका सर्वेंट्स का भी हाउस है कि कितना सुख भोगेंगे आप सर्वेंट के साथ, और ये आपका जॉब का भी कारक है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भी कारक है। तो ये दोनों चीजें सिक्स्थ हाउस है, इसका रूलर भी मरकरी है। सो मरकरी इज रूल, इट इज ऑल्सो रूल्ड बाय मरकरी। अब हमने छह हाउसेस कर ली, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑन ईच वन ऑफ देम। फर्स्ट हाउस क्या बताता है? लग्न हाउस अबाउट द पर्सन, मतलब अपने बारे में, क्योंकि हम देख सकते हैं क्या है वो, मतलब कौन रूलर है उसका? सन, सॉरी मार्स। सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस बताता है धन हाउस, फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, नॉलेज, नॉलेज, लिक्विड मनी, accumulated wealth, food habits, कपड़े वपड़े बहुत छोटी चीज है, हम लोग इतनी डिटेल में नहीं घुस रहे, हम सिर्फ फैमिली देखो, आप याद रखो फैमिली, वाणी, दूसरा याद रखो स्पीच भी है, बट अगर आपको मेन जो चीजें हैं वो फैमिली हो गया और आपका हो गया इतना ही ज्यादा, बहुत क्योंकि क्या बहुत सारी चीजें आप रिलेट करो, जितना याद रख सको याद रखो, बट इमीडिएटली क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, सेकंड हाउस आते हैं आपको पता होना चाहिए। थर्ड हाउस क्या बताता है? सिब्लिंग्स और शॉर्ट ट्रैवल, कम्युनिकेशन, करेज, कोई पूछेगा भी नहीं कभी मेरे नेबर कैसे होंगे, बट जनरली आप देखेंगे जब थर्ड हाउस में आपका कोई मेलिफिक बैठा है या मेलिफिक से कोई एस्पेक्ट एस्पेक्ट हो रहा है कुछ, तो हम पढ़ेंगे कैसे वो, कैसे देखना कि आपके नेबर कैसे होंगे, ठीक है, वो हम चेक करेंगे, आप देखना अपने आप ही देखना कि आपके पड़ोसी किस तरीके के, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं करते, किस टाइप का लेंगे आप। तो अब सिक्स हाउस हो गया, अच्छा उससे अब फोर्थ हाउस पे आ जाओ, फोर्थ हाउस क्या बता रहा है? थर्ड हाउस इज रूल्ड बाय मर्करी, मर्करी, और थर्ड साइन को भी रूल बाय मर्करी, जेमिनी इज आल्सो रूल्ड बाय मर्करी। फोर्थ हाउस क्या बताता है? मदर, सुख भाव है, व्हीकल कंफर्ट्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, स्कूलिंग, एजुकेशन टिल स्कूलिंग, हां एजुकेशन टिल स्कूलिंग, एजुकेशन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, 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 व्हीकल, ज्यादा लंबा छोड़ा नहीं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ठीक है, मदर, 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 प्रॉपर्टी, व्हीकल, और आपका ये एजुकेशन टिल स्कूल, बस इतना ही बहुत अभी, इतना मतलब ये बाकी सारी चीजें याद करो, सब पढ़ो और बहुत सारे कुछ पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेन यही मेन इम्पोर्टेंट चीज, मतलब ये मतलब समझ लो आपको कि इसमें मैं इसमें ऐसे तो बहुत लंबी है, मैटरनल अंकल भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और 50 चीजें इसमें मैं ऐड कर सकते हैं क्या क्या चीजें देते, बट हमें जो इम्पोर्टेंट है हम वो दें। और फिफ्थ हाउस पेरेंट्स, बच्चे, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, फिफ्थ हाउस का मतलब प्रोजेनी, पेरेंट्स, स्पिरिचुअल, स्पेक्युलेशन, स्पिरिचुअल, स्पेक्युलेशन, लव, पांच चीजें बोली थी मैंने, सो प्रोजेनी, और फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, स्पेक्युलेशन, और स्पेक्युलेशन, सिक्स्थ हाउस रोग, रोग ऋण शत्रु, और पेरेंट्स, जॉब, 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 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है, आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके पास, कोई भी किसी भी स्टॉकर के पास जाएगा, कोई दो कारण को ऐसे जाता है, एक नौकरी और दूसरा रिलेशनशिप, 90% केसेस ये दो टॉपिक पे ही है, रिलेशनशिप से
मतलब शादी कब होगी नहीं होगी, चलो उसी में रिलेशनशिप में बच्चा भी जोड़ दो थोड़ा सा, तो मतलब विच इज अगेन 10% ऑफ इट, नॉट मच, बट मेजोरिटी इज बिजनेस और बिजनेस और जॉब एंड रिलेशनशिप. रिलेशनशिप मतलब शादी होगी या अफेयर या डिवोर्स इन सच वो सारा कुछ आ गया, और चाइल्ड बर्थ 5%, बाकी 10% में सारा कुछ आ गया. हेल्थ भी आ गई, कोई नहीं जाता हेल्थ के लिए कुछ, ठीक है, आपके पास कोई नहीं आएगा कि मैं कौन सा कब कब बीमार पड़ूंगा और कौन सी बीमारी होगी मुझे, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, तो वो डॉक्टर से भी नहीं पूछते ऐसा, तो ब्लड टेस्ट भी नहीं कराते, हमारी है ही नहीं ऐसी मेंटेलिटी नहीं है. तो छठे हाउस का जो मामला है ना, इसमें जो कि ऋण और रोग है, उसके लिए कोई नहीं पूछेगा आपको, रोग सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें. डिजीज आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे वो सिक्स्थ हाउस बताएगा, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे. वो मतलब फिफ्थ हाउस में एजुकेशन का क्या बता सकते हैं जी? फिफ्थ हाउस में, हाँ जी, फिफ्थ हाउस में इंटेलिजेंस है ना, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप पढ़ाई में अच्छे ही करेंगे, ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी होगी, जनरल इंटेलिजेंस है. 12th तक तो फोर्थ हाउस हो गया, 12th तक फोर्थ हाउस हो गया, मतलब आपकी 12th एजुकेशन फोर्थ हाउस से रिलेटेड है, फिफ्थ हाउस से जो आप इंटेलिजेंट है, मतलब फोर्थ हाउस तो एजुकेशन, 12th तक की एजुकेशन आपकी फोर्थ हाउस से, अभी हम आगे इंटेलिजेंस 9th हाउस से आपकी 12th के बाद की एजुकेशन लेकिन, तो 5th से क्या देखें ओनली इंटेलिजेंस लेवल. हां इंटेलिजेंस है, बहुत बड़ी चीज है इंटेलिजेंस लेवल, मतलब कि कितना दिमाग कितना है, हाउ मच. अगर आपकी मतलब आज की डेट में जब आप प्रोफेशन पे आते हैं, एजुकेशन आप पढ़ जब एडवांस में पढ़ते हैं, हम सबसे पहली चीज ही 5th हाउस देखते हैं. उसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि आने वाले टाइम में और अभी जो चल रहा है टाइम, इसमें आपकी जो एजुकेशन जो आपने पढ़ा है उसको आप एज अ प्रोफेशन बनाओगे कि नहीं बनाओगे वो तो बिल्कुल ही श्योर नहीं. दूसरा, आप आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्रोफेशन चेंज होंगे उसको अडाप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या कोई नई चीज सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर आप इंटेलिजेंट नहीं होगे तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपका इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है. आप कितना ज्यादा सीख सकते हो, तो आजकल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस, अगर आप इंटेलिजेंट है तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट. और प्लस सबसे फिफ्थ हाउस का इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है प्रोजेनी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, ये सारी चीज, लड़का होगा लड़की होगा, सब कुछ फिफ्थ हाउस से पता लगेगा, ये उसके लिए है. तो मतलब आपका प्रेगनेंसी पीरियड के तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है. अब हम आते हैं 7th हाउस पे वापस. 7th हाउस जो है वो कलात्र भाव है, स्त्री भाव, स्त्री मतलब पुरुष भाव भी इसको बोल सकते हैं. फॉर हस्बैंड इट इज वाइफ, फॉर वाइफ इट इज हस्बैंड, इट इज स्पाउस. आपकी मैरिड, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिज, आपकी स्पाउस, सब कुछ आपका 7th हाउस से ही हम देखते हैं. आपका पार्टनर कैसा होगा, अफेयर कैसा चलेगा, बोथ साइडेड है, वन साइडेड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर 7th हाउस. हर किस्म की भाव का क्या मीनिंग है, किसकी कलात्र भाव? कलात्र भाव मतलब स्त्री भाव, या आपका ऑपोजिट जो स्पाउस होता है उसको बोलते हैं कलात्र भाव. ये कलात्र भाव वो हो गया, और स्पाउस वही स्त्री भाव या आपका शादी का भाव उसको हम बोलेंगे. ये सारी चीजें दिखाएगा. उसके अलावा एक चीज और बताता है, ये बिजनेस बताता है. 6th हाउस जैसे बताता था जॉब, 7th हाउस बताएगा आपका बिजनेस. आप बिजनेस करेंगे कि जॉब करेंगे, मैंने बताया ना आपको 6th हाउस और 7th हाउस का ही सारा का सारा हिसाब है. हम उनको देख के ही प्रेडिक्शन देते हैं कि 6th हाउस में क्या है, 7th हाउस में क्या है, तो वो हम सब चीज इसमें फिर से बताएंगे. तो आपका बिजनेस बताएगा, बिजनेस पार्टनर बताएगा कैसा पार्टनरशिप का भी हाउस है. तो आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप से धोखा मिलेगा, पार्टनरशिप कैसा पार्टनर होगा आपका, वो सब चीजें आपको 7th हाउस बताएगा. बिजनेस पार्टनर भी और लाइफ पार्टनर भी, ये दोनों चीजें 7th हाउस से पता लगेगी. ट्रेड ट्रांजेक्शन आपके घर में, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जो एसोसिएट काम करते हैं आपके साथ वाले लोग जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, ये सारे लोग ये सब 7th हाउस में ही आएंगे. और ये अगर आप इसमें इस, चूंकि ये इतनी सारी चीजों को बताता है, इसका जो रूलर है वो भी ऑब्वियस वो है कि वो वीनस है. तो वीनस विल डिसाइड कि ये
वीनस इसका रूलर है, सेवेंथ राशि कौन सी है हमारी? तुला, तुला, लिब्रा, लिब्रा। तो ये उसका भी रूलर जो है वीनस ही है। सर इसमें ये लॉन्ग ट्रैवल कुछ लिखा है तो व्हाट डज दैट, लॉन्ग जर्नी लिखा है? हां सॉरी, लॉन्ग जर्नी, हां लॉन्ग जर्नी लिखा है। लॉन्ग जर्नी इसमें उतना रेलेवेंट नहीं है, इसका भी देख लेते हैं। लॉन्ग बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल बेसिकली है ये, इट इज नॉट एक्चुअल एक्चुअल ट्रैवल, बट बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल होगा कि नहीं होगा वो हम 7th हाउस से देखेंगे। जॉब रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल वो नहीं होता है ना, फॉरेन ट्रैवल अभी नहीं आएगा। फॉरेन ट्रैवल तीन हाउसेस हैं ट्रैवल के, जब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रैवल थर्ड हाउस, लॉन्ग ट्रैवल 9th हाउस। अभी 9th हाउस आएगा, अभी पढ़ेंगे 9th हाउस को, लॉन्ग ट्रैवल भी है, फिर 12th हाउस को भी देखना है। तो ये हम एक कोई हाउस नहीं बताएगा, मतलब अकेला 9th हाउस नहीं बताएगा कि आपका आप ट्रैवल करोगे। आप ये 9th हाउस अगर वो एसोसिएटेड है, अगर उसका कोई कनेक्शन है 12th हाउस से और उस टाइम उनका टाइम आया, तब वो 9th और 12th मिलकर आपको ट्रैवल दे सकते हैं। तब ऐसा देखते, ऐसा सिंपल 9th हाउस देखा नहीं। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर कोई वीनस आपका प्लेस्ड है 7th हाउस में और अपनी ही राशि में, मान लो 7th राशि है, 2nd राशि में है, 2nd राशि का भी वो है, तो लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा, लाइफ बहुत अच्छी होगी उसके साथ, सब बढ़िया रहेगा। कोई बोलता है केतु उसके अंदर आ जाए या राहु आ जाए 7th में, या सैटर्न आ जाए 7th में, या मार्स आ जाए 7th में, क्योंकि ये चारों के चारों बैक बेंचर्स हैं जो प्लैनेट्स हैं, ये बदमाशी करते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो खराब हो, आपकी लाइफ पार्टनर गड़बड़ होगी और प्रॉब्लम करेगी। ये बिल्कुल गलत चीज है, लोग कहते हैं ऐसा, ऑन यू कैन स्पेक्यूलेट। इसमें बहुत, मैंने बताया ना, इसमें देर इज लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मतलब मेंटल फोर प्ले का बहुत ज्यादा स्कोप है ज्योतिष में, बहुत अनलिमिटेड। आप कुछ भी हाउस पकड़ के फिर आप उस पर डिस्कशन करते रहो, तो 7th हाउस को लेके आप बहुत डिस्कशन, नवांश में कैसा है, अगर नवांश में आपको बताऊंगा, वी विल नॉट स्टडी इन दिस, वो भी वैदिक एडवांस का पार्ट है, तो डिविजनल चार्ट्स का पार्ट है, बट वो लोग उसमें नवांश में कैसा कौन सा है, फिर इसमें कैसा, वो शादी के लिए देखा जाता है 7th हाउस शादी। अब लोगों की अगर मान लीजिए मार्स या सैटर्न उसमें प्लेस है 7th हाउस में, सीधा बोलेंगे सब लोग कि भैया शादी डिले होगी, शादी में प्रॉब्लम आएगी। केतु में, केतु प्लेस है 7th हाउस में, बोलेंगे भाई ये सेपरेशन होगा पक्का शादी के बाद। अभी केतु प्लेस है उसमें, यानी राहु फर्स्ट हाउस में होगा तभी केतु 7th हाउस में, ऐसा होगा। मेरे से एक बार एक ने बहस, मतलब देयर वाज समवन हु वाज लाइक, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, एंड दैट फीमेल वाज लाइक आर्ग्यूइंग विद मी कि शादी नहीं हो रही, तो मेरा और शी न्यू एवरीथिंग। तो जैसे आई राइट लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन कोरा ऑल्सो, तो उस पर वहाँ से कोई आंसर पढ़ के मेरे से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप फिर टेक अ कंसल्टेशन, देन आई कैन टेल यू, शी वांटेड टू कंसल्ट ऑन विदाउट कॉस्ट फ्री में। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं, फिर देन शी स्टार्टेड आर्गुइंग कि नहीं, यू नो माय राहु, माय हैव केतु इन 7th हाउस, सो दैट्स द रीजन माय आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। अच्छा, मतलब या शायद उसका डिवोर्स हो गया था एक बार, फिर दूसरी शादी नहीं होने दी, सम प्रॉब्लम इन द मैरिज। मैं कहा आई आल्सो हैव केतु इन माय 7th हाउस, आई एम मैरिड फॉर लास्ट 21 इयर्स, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे। तो अच्छा, ऐसे कैसे, इट वाज लाइक शी आर्ग्यू टू द पॉइंट दैट ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी चल रही। मैं कहा फोन रख दे, मेरी शादी क्यों चलने दो, प्लीज लीव मी अलोन। ऐसा मेरे को, मतलब क्यों चल रही, क्या चल रही है, वो नहीं, जस्ट बिकॉज, एंड यही मैं बोलता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज नोइंग दैट देयर इज वन प्लैनेट इन वन पर्टिकुलर हाउस विल गिव यू दिस काइंड ऑफ अ रिजल्ट। ये ऐसे इतना जनरलाइज कर दिया इस चीज को, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत हजारों लाखों की तादाद में है यूट्यूब पे वीडियोस, आप देख लो, इस हर हाउस के बारे में बताएंगे, हर प्लैनेट, ईच प्लैनेट इन ईच हाउस। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में तो बंदे क्या होगा, मार्स सेकंड हाउस में तो क्या होगा, मार्स 7th हाउस तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, सब चीजें बताएंगे, दे विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, 5-5 मिनट के वीडियोस होंगे पूरे उसके, एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग एट योर हॉरोस्कोप, देन यू विल से ओहो, ये तो कुछ तो मिल गया, किसी का कुछ मिल जाएगा, किसी का कुछ नहीं मिलेगा, जिसका मिल जाएगा दे विल स्टार्ट डीलिंग इन दैट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैसा होता ही नहीं, सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस डज नॉट गिव एनी रिजल्ट। इसलिए
बी केयरफुल, कोई भी कहीं पर भी आप देखो सुनो, अनलेस द हॉरोस्कोप इज एनालाइज प्रॉपरली, अनलेस यू नो हाउ टू एनालाइज योर हॉरोस्कोप, तब तक कोई जरूरत नहीं है बीच में पूछने की, तब तक इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट, डोंट टेक इट ऑन यू। अब हम आते हैं एट्थ हाउस पे। अब एट्थ हाउस जो है आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं ज्योतिष के उन सबके लिए, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो है हिडन नॉलेज का हाउस, हिडन नॉलेज ऑकल्ट का हाउस। एट्थ हाउस आयु भाव भी बोलते हैं, मैं उसके बाद में आया, मैं ज्योतिष पहले बता देता हूँ। तो ये ऑकल्ट का हाउस है, ये आयु भाव भी मतलब लॉन्गेविटी अगर आपकी चेक करनी है तो हम एट्थ हाउस से चेक करते हैं। एट्थ हाउस का बिना ऑपरेशन में आए, बिना उसका फंक्शन में आए, किसी की डेथ नहीं होती, तो एट्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी रीजन से डेथ हो आपकी तो वो एट्थ हाउस से देखी जाएगी, एनी रीजन, ठीक है। और ये थोड़ा सा मतलब बैड हाउस की गिनती में आता है। हमारी लाइफ में तीन ही हाउस हैं जो सबसे ज्यादा बुरे हैं, वो है सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, हम करेंगे, जिनके कारण सारी प्रॉब्लम है। और तीन ही प्लैनेट है जिनके कारण हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ना ऐसा नहीं है प्रॉब्लम बाकी उसमें आती है, बट तीन प्लैनेट और तीन जिनके इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ ज्यादा भयसत बुरा होता नहीं, विच इज राकेश, राहु, केतु, शनि एंड सिक्स सेक्टर, छठा घर, आठवां घर और बारहवां घर। तो खैर आठवां घर सिर्फ बुराई के लिए नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम के लिए नहीं, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें भी हैं इसमें। ये आपका ऑकल्ट का हाउस है, सफरिंग का हाउस है, आप कितना सफर करेंगे, इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला नहीं, तो SUFFER वाला सफर, तो आप उतना सफर करेंगे, कितनी आप सहेंगे वो नंबर आठ से पता लगेगा। सारा स्ट्रेस आपको इससे पता लगेगा। आपके इनलॉस कैसे होंगे ये भी हम इससे पता करेंगे। आपको ह्यूमिलेशन होगी कि नहीं होगी वो भी हम इससे पता करेंगे। बट एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट जब भी होगा तो लाइफ चेंज होगी, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी यही है। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ इज ऑल्सो सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। और सारी मिस्ट्री, सीक्रेट्स, रहस्य, ये सारी चीज हम एट्थ हाउस से देखते हैं। एक एट्थ हाउस में बताए थे जी जो पैसे मर जाते हैं या दबे हुए पैसे, जो पेमेंट नहीं आ रही है, वो भी एट्थ हाउस से ही देखते हैं। हाँ बिल्कुल, दब मरे मरे हुए पैसे हम सिर्फ एट्थ हाउस से नहीं देखेंगे, क्योंकि पैसे तो है नहीं इसमें, एट्थ हाउस में पैसा तो आया नहीं कहीं पर भी। एट्थ हाउस जब जुड़ेगा पैसे के भाव के साथ, मतलब जो सेकेंड हाउस के साथ जब एट्थ हाउस जुड़ेगा तब हम कहेंगे कि पैसे मरने का, या फिफ्थ हाउस के साथ जब एट्थ हाउस जुड़ेगा तो हम बोलेंगे कि इसके साथ मरने के चांसेस हैं। वो भी नहीं, 5, 8, 12 होगा जब, तब हम बोलेंगे। तो पांचवा, आठवां और बारहवां तीनों एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब, जो या फिर जो प्लैनेट इन तीनों को सिग्निफाई करेगा, डिनोट करेगा, इनके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, उसका टाइम आएगा तब, उस प्लैनेट का टाइम आएगा। पैसे की आवाज देते हैं कि आपके रुके हुए पैसे मिल जाएंगे। नहीं, रुके हुए पैसे जो मिल जाएंगे वो जब पैसे मिलने का टाइम आएगा तब आएगा, वो जो प्लैनेट जो पैसे दिलवाएगा वो बताएगा। एट्थ हाउस अकेला नहीं बताएगा, एट्थ हाउस आपका लेगेसी बताता है, आपका इंश्योरेंस का पैसा बताता है, आपका लेगेसी पैसा बताएगा, लेगेसी का पैसा, आपका एट्थ हाउस आपकी लेगेसी भी है, आपका इनहेरिटेंस है, क्या आप इनहेरिट करेंगे चीजों को। और जब भी किसी की लाइफ में बड़ा चेंज आता है, जो आदमी चेंज करता है, इसका मतलब उसका एट्थ हाउस में के रिलेटेड प्लैनेट का कुछ ना कुछ टाइम आया है, इसलिए उसकी लाइफ में चेंज आया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो आदमी अचानक से सौ चूहे खा के बिल्ली हचकोच चली वाला जो सीन है, जब हम ऐसा बोलेंगे किसी के लिए, इसका मतलब उसका एट्थ हाउस ऑपरेशन में आया है इस टाइम पे। और ये आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी कराता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई हुआ वो भी ये कराएगा, सडन इवेंट्स भी यही कराएगा। जितने भी आपके खुद के कमाए हुए दोष हैं, मतलब जो आपके जिसे समझ लीजिए जो जो आपके खुद के कर्मों के फल जो हैं जो मिलने हैं, वो भी आपके एट्थ हाउस से पता लगेंगे। दूसरा, ये आपकी अनअर्न्ड इनकम का हाउस। अब अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है, जो आपने नहीं कमाई, खुद नहीं कमाई, तो ऐसी कौन सी इनकम होती है जो आप खुद नहीं कमाते, ऐसी इनकम होती जो आपको डाउरी में मिले,
जो आपको इनहेरिटेंस में मिले, जो आपको कोई और दे रहा है गिफ्ट में मिले, तो शादी में गिफ्ट मिला उसमें भी 8th हाउस देखेंगे, दहेज मिल रहा है तो भी हम 8th हाउस देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इंश्योरेंस का पैसा, अब कोई किसी की डेथ होगी तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो वो भी हम इसी से देखेंगे। तीसरा, हम सब के जितने भी ज्योतिष हम लोग हैं जो पढ़ रहे हैं इसके लिए या जो भी है, तो आज की डेट में आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका 8th हाउस जरूर इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए आप ज्योतिष पढ़ रहे हो। अगर आप 8th हाउस इन्वॉल्व नहीं होता आप लोगों का, तो आप लोग ज्योतिष नहीं पढ़ रहे होते। तो अब आप लोग दो तीन चीजें चेक करिएगा, अभी आज तो चेक मत करिए, तो प्लैनेट्स पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे 8th हाउस का रिलेशन, अनलेस प्लैनेट्स, जब तक हम प्लैनेट नहीं पढ़ेंगे तो समझ जाएगा, तो हमें प्लैनेट पढ़ना पड़ेगा पहले, तो हम करेंगे जब हम वो करेंगे, तो ज्योतिष बनने के लिए भी सर, कुंडली में ऐसा भी होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा होता है। कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है? मतलब जैसे कि प्लस मर्क्यूरी, माइनस वीनस, उसमें कहाँ लिखा जो हमारा चार्ट होता है ना, हाँ जो बॉक्सेस उसमें होता है, प्लस माइनस तो कहीं नहीं लिखा होता, मतलब उसके आगे लिखा होता है, जैसे प्लस वीनस, प्लस वीई की इस वाले हाउस में वीनस प्लेस्ड है, तो प्लस वीई। मैं आपको फोटो भेजूंगी, हाँ मुझे फोटो अपना ग्रुप पे डालिएगा, मैं चेक करूंगा। हाँ। कौन से मतलब ऐसा अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से कुंडली दिखा देते हैं, अब मुझे मालूम नहीं प्लस वीई का क्या वो है, क्या सिग्निफिकेंस है, और प्लस वीई तो नहीं होगा, हाँ वीई है तो वीई है, तो मतलब वीनस है तो वीनस है, हाँ वो तो समझ आ गया, बट प्लस माइनस आई डोंट नो, माइनस तो मुझे पता नहीं, मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, जैसे ये कुंडली है, तो ये कुंडली है, इसमें सारे प्लैनेट्स, ये लग्न चार्ट है, भावचलित चार्ट है, ये बाद में मतलब दिस इज फॉर ऑल एडवांस हो, बट ये हम लग्न चार्ट देख रहे हैं अभी, हम लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आर क्या है साथ में ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में ये रेट्रोग्रेड, तो मे बी वही हो, हाँ इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है वक्री होना, ये हम पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगा आपको रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है। ओके ठीक है, तो ये रेट्रोग्रेड मतलब ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, जिस टाइम पे जब हमने स्क्रीनशॉट लिया था यूनिवर्स का, तब उस टाइम पे प्लैनेट रेट्रोग्रेड था, और राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, बहुत रेयर कभी सीधी पोजिशन में चलेंगे, बट हमेशा एज सीन फ्रॉम अर्थ है सारी चीज, तो एज सीन फ्रॉम अर्थ, तो ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर सारे प्लैनेट्स है, ये 8th असेंडेंट है, तो मतलब स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली है, राहु 1st हाउस में, केतु 7th हाउस में होगा, हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं राहु केतु, तो ये राहु जहाँ पर भी होगा उसका ऑपोजिट ही होगा केतु, कहीं और दूसरे प्लैनेट में नहीं होगा, और ये हाउसेज है 1st, 2nd, 3rd, 8th हाउस में इसमें सन, सैटर्न, मर्करी तीनों है, तो ये 8th हाउस का ये बता रहा है कि ये 8th हाउस, तो ये अभी हम करेंगे सारी सब चीजें धीरे धीरे करेंगे, हाउसेज में कैसे देखना है ये भी करेंगे, सिग्निफिकेंस लेकिन समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम सिग्निफिकेंस नहीं समझेंगे तो हमें आगे ये बेसिक्स है, बेसिक में ये समझना बहुत जरूरी है हाउसेस का मतलब। अब 8th हाउस इज ऑल्सो रूल्ड बाय मार्स, 9th हाउस ये भाग्य भाव है, धर्म भाव है, ये आपका हाउस ऑफ लक भी बोला जाता है इसको, हाउस ऑफ लक, तो इसको भाग्य भाव या हाउस ऑफ लक बोला जाएगा, इसको हाउस ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, मतलब ये लक हो गया, फेथ हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब चीजें 9th हाउस से आएंगी, ये आपका टीचर, आपका गुरु, आपके फादर का हाउस, फादर इससे 9th हाउस से देखे जाते हैं, और लॉन्ग ट्रैवल इससे देखा जाएगा, हायर एजुकेशन भी 9th हाउस से देखी जाएगी। तो अगर आप इसमें 3-4 चीजें याद करनी है हमने मेन में, तो वो यही याद करना, फादर टिल व्हेन द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन फादर, तब तक 9th हाउस और हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, 12th के बाद की पढ़ाई सारी की सारी 9th हाउस से देखेंगे। लॉन्ग ट्रैवल मतलब देश छोड़ना, मतलब लॉन्ग ट्रैवल मतलब जैसे वैसे तो लॉन्ग ट्रैवल में आपका विद इन इंडिया भी लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, कि अगर आप दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं तो वो भी लॉन्ग ट्रैवल है, लंबी फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है, लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं, और
पूरा लैंग्वेज लैंग्वेज फूड वूड एवरीथिंग इज चेंज्ड एट टाइम्स यू फील दिल्ली वाला समझेगा अपने आप किसी एलियन लैंड में आ गया बिकॉज़ नोबडी अंडरस्टैंड हिंदी देयर सो दैट इज व्हाट चेन्नई दैट कुड बी वन अदरवाइज लॉन्ग ट्रैवल जनरली वी कंसीडर द फॉरेन ट्रैवल का हम देखते हैं तो हम नाइन्थ हाउस को ज्यादा देखते हैं नाइन्थ एंड ट्वेल्थ दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हैं हायर एजुकेशन आप स्कूल के बाद पढ़ा कितना पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे वो हम नाइन्थ हाउस से चेक करेंगे मैथमेटिक्स हो गया आपका ये फॉरेन ट्रैवलिंग हो गया पिलग्रिमेज हो गया आप पिलग्रिमेज पे जाओगे कि नहीं जाओगे ये भी नाइन्थ हाउस बट ज्यादा इस पर याद करने की सिर्फ तीन ही चीजें हैं रूलर ऑफ एट्थ हाउस रूलर ऑफ एट्थ हाउस मार्स स्कॉर्पियो का भी रूलर मार्स है एरिस का भी मार्स है फर्स्ट का भी मार्स है एट्थ हाउस का भी मार्स है एंड दिस इज रूल्ड बाय नाइन्थ हाउस इज रूल्ड बाय जुपिटर तीन चीजें इसमें याद रखने की फादर टिल द चाइल्ड इज डिपेंडेंट हायर एजुकेशन एंड लॉन्ग ट्रैवल सिर्फ तीन चीजें तो विल जीरो डाउन टू थ्री टू फोर थिंग्स ओनली फॉर एवरी हाउस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दैट हाउस टेंथ हाउस इज योर राज्य भाव पितृ भाव कर्म स्थान या व्यापार इतने सारे भाव उसको नाम दिए हुए कर्म भाव बेसिकली मेन है कर्म स्थान है ये और कर्म का मतलब लोग इसको सिर्फ प्रोफेशन से जोड़ देते कर्म को नहीं तो कर्म आपका ओवरऑल कर्म है प्रोफेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट कर्म तो जब आप आगे और जाके सीरियस में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे कर्म आपके हमने एट टेंथ हाउस से देखने प्रोफेशन भी टेंथ हाउस से देखेंगे बट प्रोफेशन जो है हम सिर्फ पार्ट ऑफ कर्म देखेंगे नॉट एज अ होल कर्म बट हाँ कर्म आपका टेंथ हाउस बताएगा ये हाउस ऑफ फादर भी है व्हेन चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट जब आपकी नौकरी लग गई आप इंडिपेंडेंट हो गए आप अलग मतलब फादर से नहीं वो अटैच्ड है तो आप दिस यू विल सी योर फादर विल बी सीन फ्रॉम दिस हाउस सोर्स ऑफ इनकम का हाउस है आप प्रोफेशन तो करेंगे सिक्स्थ हाउस बताएगा जॉब करेंगे सेवेंथ हाउस बताएगा बिजनेस करेंगे किस चीज का बिजनेस करेंगे सोर्स क्या होगा सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगी आपकी इनकम क्या होगी तो किस चीज का आप बिजनेस करेंगे वो टेंथ हाउस करेंगे तो सिक्स्थ एंड सेवेंथ हो गया बिजनेस या जॉब बट किस चीज का वो आप टेंथ हाउस से देखेंगे तो ये आपका स्टेटस भी बताता है फेम भी यही दिलाएगा तो कर्म स्थान है दो तीन चीजें इसमें जो ज्यादा याद करने वाली है सिर्फ यही कर्म स्थान मतलब ओवरऑल कर्म देखना आपका प्रोफेशन देखना आपका आपका सोर्स ऑफ इनकम देखना आपका फेम देखना है आपको प्रसिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमने टेंथ हाउस से चेक करना है और फादर पता लगेगा जब चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट दिस इज रूल्ड बाय सैटर्न तो दसवां हमारा साइन था मकर राशि या कैप्रिकॉर्न दैट इज ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न दिस इज ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न इलेवेंथ हाउस सबसे अच्छा हाउस रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स का हाउस है ये आपकी सारी इच्छा पूर्ण करने का हाउस है और ये गेन का हाउस है प्रॉफिट का हाउस ये जिस भी हाउस के साथ अटैच हो जाएगा जिसके साथ करेक्शन बनाएगा उसका उस हाउस का गेन आपकी लाइफ में आपको मिलेगा ही मिलेगा तो अभी हम इसको आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे इसका भी जो मेन वो है रूलर जो है वो सैटर्न है इलेवेंथ राशि हमारी कौन सी थी इलेवेंथ कौन सी राशि एक्वेरियस तो कुंभ राशि का स्वामी जो है वो भी सैटर्न ही है अब नाइन्थ हाउस बताएगा गुड है गुड बैड लक टेंथ हाउस सोर्स ऑफ इनकम और इलेवेंथ हाउस एक्चुअल इनकम मतलब कितना एक्चुअल पैसा आप कमाएंगे अपने प्रोफेशन से वो आपको इलेवेंथ हाउस बताएगा सिक्स्थ हाउस सेवेंथ हाउस बताएंगे जॉब या बिजनेस टेंथ हाउस बताएगा आपका सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से टाइप का काम करेंगे आप किस क्या सोर्स ऑफ इनकम रहेगा आपका और इलेवेंथ हाउस आपको बताएगा कितना कितना आप कमाएंगे उससे और सेकंड हाउस बताएगा कितना आप बचाएंगे उससे कमाई से एक्यूमुलेटेड है ना एक्यूमुलेटेड वेल्थ वो सेकंड हाउस में होगा इन सब की इन्वॉल्वमेंट होगी साथ में सेकंड हाउस सिक्स्थ हाउस सेवेंथ टेंथ एंड इलेवेंथ या गेन बताएगा जो भी प्लैनेट इन सब चीज को इन्वॉल्व करेगा
तो वो सब जब भी उसका टाइम आएगा उस टाइम पे आपका प्रोफेशन राइज करेगा। जब भी मैं बोलता हूँ जब भी उसका टाइम आएगा मतलब जब वो दशाओं में ऑपरेट करेंगे तब वो उसका टाइम आएगा। ट्वेल्थ हाउस बारहवें हाउस पे आ गया, वह भाव हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर आउटगो ऑफ मनी, इसको भी हम क्योंकि पैसा चलता है तो इसको हम बैड हाउस में गिन लेते हैं, बट ये बैड हाउस उतना नहीं है, ये बैड हाउस पूरा कंप्लीट बैड हाउस नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। ये बेसिकली आपका हाउस ऑफ आइसोलेशन, इसको मोक्ष भी बोलते हैं। ट्वेल्थ हाउस है, अगर आप लाइफ जर्नी फर्स्ट हाउस में बच्चा पैदा हुआ तो ट्वेल्थ हाउस में मरेगा भी, तो हाउस ऑफ डेथ भी यही हो गया। ट्वेल्थ हाउस में इसीलिए इसको मोक्ष का हाउस भी बोला गया कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा या जो भी तो वो पता लगेगा इसमें, मोक्ष मिलेगा मरेगा आदमी डेथ का वो हॉस्पिटलाइजेशन जेल कन्फाइनमेंट ये सारी चीजें ट्वेल्थ हाउस से पता लगेगी। लॉस भी इसी से पता लगेगा, एक्सपेंडिचर भी इससे पता लगेगा। और ऑकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी सब चीजें ये भी ट्वेल्थ हाउस भी इसका बताता है, एड्स भी बताता है, ट्वेल्थ भी बताता है। लॉन्ग ट्रेवल सेटलमेंट अब्रॉड ये आइसोलेशन का हाउस है, ये आपको आइसोलेट करेगा चीजों से, ये भी ट्वेल्थ हाउस बताएगा। सोरो सिंस इंपेडिमेंट डिस्प्यूट रेप स्लीप पेट प्लेजर्स ब्लड प्लेजर्स भी यही बताएगा, ब्लैकमेलिंग भी यही बताएगा, रेनाउंसिएशन भी यही बताएगा। ये ट्वेल्थ हाउस ये सारी चीजों का कारक है, ये सब चीज ये बताता है। और ट्वेल्थ हाउस के रिलेटेड ही हम ये सारी चीजें देखेंगे। एक्सपेंसेस है बेसिकली, ये एक्सपेंसेस बताएगा कि आपका एक्सपेंस कहाँ कहाँ होगा, तो एक्सपेंस कहाँ करेंगे आप, कहाँ सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होगा, किन किन चीजों में पैसा खर्चा होगा। ये बाहर सेटलमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बाहर सेटलमेंट का भी। अब क्या है ना, अब ट्रैवल जो है दो चीजों में ज्योतिष में अभी वापस से समझ लीजिए रिसर्च का काम शुरू हो गया है। एक है चाइल्ड बर्थ और दूसरा है ये ट्रैवल का फॉरेन सेटलमेंट। आज की डेट में फॉरेन सेटलमेंट बहुत आसान हो गई, ठीक है, जिसकी कुंडली में है नहीं है उसको पैसा है अगर आपकी जेब में तो आपको पीआर मिल जाएगी, जबकि पीआर मिलना इज नॉट सेटलमेंट बाहर, मतलब बाहर आपको पीआर तो मिल गई लेकिन मिलने के बावजूद भी लोग सेटल नहीं हो पाते, जाते हैं कुछ दिन बाद वापस आ जाते हैं, स्पेशली कनाडा के पिछले छह मतलब लास्ट ईयर समझ लीजिए 2019 में जून जुलाई के बाद से लाइन लग गई थी क्वेश्चंस की लोगों की कि मेरे को पीआर कब मिलेगा। कनाडा का पीआर ऐसा खुला वहां पे इतने लोग भागे कनाडा, इतने लोग भागे कनाडा, आधे वापस भी आए उसमें बट फिर भी लोग भागे, बहुत दुनिया भागी कनाडा, अभी भी जा रही है कनाडा का तो अभी भी क्रेज है बहुत और बहुत लोग जा भी रहे कनाडा। तो ये बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे वो क्लियरली, इसमें क्या है इसमें आपको आप चले जाओगे फिर वापस आओगे नहीं समझ में आया तो, बट ये फॉरेन ट्रैवल ट्रैवलिंग पहले जमाने में जब ये ज्योतिष डिस्कवर हुई थी तब ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, तब नहीं ट्रैवल होता था इतना ज्यादा, और मतलब बहुत सालों तक तो फॉरेन ट्रैवल बहुत साल क्या मतलब 30 साल पहले तक तो फॉरेन ट्रैवल का लोग सिर्फ सपने में देखते थे कि फॉरेन ट्रैवल जाएंगे, बहुत बहुत लिमिटेड लोग जाते थे फॉरेन। अब क्या है, अब तो दिल्ली से चेन्नई उतने लोग नहीं जाते जितना दिल्ली से दुबई और दिल्ली से आपका थाईलैंड चले जाते, तो ये कहीं भी चले जाते हैं यहाँ से, मतलब अब ट्रैवलिंग इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी ट्रैवलिंग तो इज नॉट अ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुंडली मना भी कर रही हो कि ट्रैवल नहीं होगा और बंदा सामने वाला पूछ रहा ट्रैवल कर रहा है मुझे तो छुट्टी बनाने जाना ही जाना इस टाइम पे, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ट्रांजिट देख के भी बोल देते हो चलो ठीक है ट्रांजिट तो मिल रहा है तो अब हाँ चले जाओगे। सो मतलब इट इज नॉट वेरी डिनायल इज नॉट देयर, मतलब इट इज नॉट दैट कि इफ इट इज नॉट सेइंग यस तो इट इज आल्सो नॉट सेइंग नो। सर ट्रांजिट मतलब अभी हम पढ़ेंगे ट्रांजिट, वो ट्रांजिट इसमें मतलब प्रेडिक्शन ही बता रहा था आपको, ट्रांजिट मतलब गोचर करना, मतलब अभी इस टाइम हमारे प्लैनेट्स कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आपकी तो एक तो होगी कुंडली, तो आपने तो कुंडली देखी, आपने कुंडली देख के बताया वो नेटल चार्ट है, ठीक है नेटल चार्ट एक हो गया, दूसरा है ट्रांजिट, मतलब ऐसा तो है नहीं कि प्लैनेट सारे सो गए, प्लैनेट्स तो सो नहीं रहे प्लैनेट्स तो काम कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स काम कर रहे हैं वो प्लैनेट्स कहाँ काम कर रहे हैं, मतलब इस समय कहाँ पर है, इस समय कहाँ पर है वो प्लैनेट्स हमें देखने पड़ेंगे, तो वो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट अभी करंट चल रही है वो सारी प्लैनेट की मूवमेंट उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटे से उसमें दिखा देता हूँ ट्रांजिट हम कैसे देखते हैं। अब जैसे ये नेटल चार्ट है,
बीच वाला जो है ये नेटल चार्ट है, लग्न कुंडली जो हमने अभी पहले देखी थी, और ये ट्रांजिट है, ये जो बाहर है ये ट्रांजिट है। मतलब अभी कुछ दिन पहले जो हमारे जो भविष्यवाणियां हो रही थी कोरोना को लेके, बहुत सारे लोगों ने बोला हो जुपिटर और सैटर्न साथ में हैं, दोनों ही वक्री हो गए हैं, दोनों ही रेट्रोग्रेड में हैं, और वो ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब अगर ये, सो दिस इज व्हाट द ट्रांजिट इज, जुपिटर ये यहाँ पर है, पहले सैटर्न और जुपिटर दोनों ही सैजिटेरियस में थे, फिर अभी वो हट गया है या अपने सैटर्न इधर आ गया है मकर राशि में, जुपिटर वापस उधर चला गया, ये दोनों वापस आ जाएंगे थोड़े दिनों में। कैसे आएंगे मैं आपको एक वीकली मूवमेंट दिखा देता हूँ स्टार्स का, ये ऐसे मूव करते रहते हैं, सारे स्टार्स सारे प्लैनेट्स हिल रहे हैं, मतलब हर हफ्ते में कितनी मूवमेंट होगी प्लैनेट्स की, ऐसे दिख रही है हमें विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ट दिख रही है, बट ये प्लैनेट्स ये मूवमेंट सेम होगी हर एक के चार्ट में, जस्ट दैट कि उसके जो नंबर्स हैं बाहर, जो राशियों के नंबर अंदर लिखे हुए हैं और जो बाहर लिखे हुए हैं ये डिफरेंट होंगे बस। बट ये दिस इज ट्रांजिट इन विद रिस्पेक्ट टू वन वन चार्ट, लेकिन जो ट्रांजिट एक्चुअल हो रहा है वो वही हो रहा है, मतलब जुपिटर ये जो है कब वापस रेट्रोग्रेड कब खत्म होगा इनका, जब ये लोग बोल रहे हैं कोरोना खत्म होगा, ये खत्म हो गया 17 सितंबर के आसपास, मतलब उस वाले हफ्ते के अंदर जुपिटर का रेट्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा। मतलब जुपिटर अभी तक उल्टा दिख रहा था चलता हुआ, अब सीधा चलना दिख शुरू हो जाएगा, तो वो एक आ जाएगा। दूसरा हम सैटर्न का रेट्रोग्रेशन भी खत्म हो जाएगा सितंबर के लास्ट वीक में। सो तब तक ये लोग बोल रहे हैं जब तक इनका रेट्रोग्रेशन है तब तक गड़बड़ है, ठीक हो जाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा, और ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि इससे कोरोना खत्म होता हो, वी डोंट नो, बट ऐसा लोग बोल रहे हैं। इसका कितना सही है कितना गलत है, इट इज किसी मतलब अब सितंबर अक्टूबर तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपका वैक्सीन मिल आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा तो सब ऑब्वियसली थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो ये आज हमने हाउसेस पढ़े सारे 12 के 12 हाउसेस, 12 हाउसेस और 12 साइंस के जो लॉर्ड्स हैं उस वही प्लैनेट से, सेम टू सेम प्लैनेट है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो ये सारे आपको याद होने हैं, सारे हाउस के वही 4-5 मेन चीजें याद होनी है, सबके साइंस के लॉर्ड्स याद करने और सबके हाउसेस के लॉर्ड्स हैं वो भी याद करने। अब ये सारी चीजें आप याद करिए, सारे प्लैनेट्स मतलब सब उनकी लॉर्डशिप भी, हर प्लैनेट का एक्चुअल एक एक मतलब कि वो किस हाउस के कौन सा हाउस किन किन चीजों को बताता है, क्या चीज हमने किस हाउस से देखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे, ये याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे असेंडेंट का क्या मतलब है, हर एक असेंडेंट का क्या मतलब है, और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे हर प्लैनेट का क्या मतलब है। एक बेसिक नेचर है प्लैनेट का, वो प्लैनेट क्या बताता है, वो प्लैनेट किन किन चीजों को डिनोट करता है। अब जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं उनके उनको मालूम है हर प्लैनेट का मतलब बेसिक क्या है, वैसे सही है, बट उतना हम वो नंबर से रिलेटेड है हम उतना वो नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, हम उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे, हम उसमें बाकी और चीजें भी ऐड करेंगे, और हम राशियों को भी पढ़ेंगे, हम असेंडेंट क्या है, क्या मूवेबल राशि होती है, क्या फिक्स राशि होती है, कैसे हम उसको एलिमेंट्स के साथ जोड़ के देख सकते हैं, कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो हम राशियों के साथ भी पढ़ेंगे। तो राशि खत्म हो जाएंगे, राशि और नक्षत्र कोशिश करेंगे हम एक ही दिन खत्म करने की, और अगला हम राशियां ही ले लेंगे, फिर उसके बाद हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, फिर प्लैनेट्स को हम किन किन हाउसेज में उसका वो करेंगे। आप जब ये हो जाएंगे देन यू वुड प्रॉब्ली बी इन अ बेटर पोजिशन टू एक्चुअली सी योर हॉरोस्कोप, जब आपको सब चीजों का मतलब पता लग जाएगा। अभी हम इंडिविजुअल चीजें पढ़ेंगे, फिर हम सबको जोड़कर पढ़ना सीखेंगे कि इनका मतलब है क्या, फिर दशाएं पढ़ेंगे, फिर दशाएं भी हैं, दशाएं क्या बोलती हैं, दशा किस तरीके क्या क्या चीजें होती हैं दशाओं, वो सब चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं दशाओं को, वो सब चीजें भी करेंगे। सर अगर कोई हाउस में कोई वो नहीं है मतलब कोई प्लैनेट नहीं है तो हम उसको क्या कैसे मतलब देखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे देखते हैं नहीं मतलब तो सपोज जैसे आपने बताया कि अगर स्टडीज वाला तो वो ब्लैंक है वो हाउस, कोई बात नहीं होने दो, उसमें नंबर है कोई, हाँ नंबर तो होगा, नंबर होगा ना, उस नंबर का लॉर्ड कौन है, अच्छा लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन उसे देख रहा है, अरे बहुत सारी चीजें हैं, अभी रुक जाओ, होल्ड होल्ड होल्ड,
थोड़ा सा बोल करो, थोड़ा सा अभी डोंट जंप जस्ट, यू नो अभी इसी को बोलते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस इन एस्ट्रोलॉजी इट इज फेटल. बस यही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लोग और फिर उसके बाद अपना अच्छा मेरा तो वीनस यहाँ पर है तो मतलब जैसे होते ना जैसे मेरा वीनस सेवेंथ हाउस में है तो मेरी तो भाई बड़ी अच्छी होगी या मेरा तो मेरा पार्टनर बड़ा अच्छा होगा या मेरा अफेयर बड़ा अच्छा होगा तो वीनस का टाइम आ गया भाई. ये सब गलत चीजें देखना और इन सब से चीजों से देख के फाइनल करना भी गलत है. तो कुछ भी निकाल देना मतलब क्योंकि ऐसे नहीं देखा जाता. कोई भी सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस का रिजल्ट नहीं देता. इट इज ऑलवेज सीन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सारे हर चीज कॉम्बिनेशन में देखी जाएंगी एक साथ मतलब इंडिविजुअल उस पर नहीं देखी जाएंगी कोई भी चीज. और पूरे हॉरोस्कोप को देखना और रिजल्ट कब आना है. मजे की बात यह है कि रिजल्ट ऐसे थोड़ी है हमने देख लिया ये ऐसे अच्छा उसका मतलब ये होगा. नहीं रिजल्ट तो दशा में ही आएगा जब जूस प्लांट का टाइम आएगा तभी वो अपना काम करेगा अदरवाइज थोड़ी काम करेगा खाली बैठा वो थोड़ी काम करता रहेगा. दशाओं का मतलब भी समझना जरूरी है. महादशा में क्या होगा अंतर दशा में क्या होगा प्रत्यंतर में क्या होगा या दशा भुक्ति अंतर जैसे हम बोलते हैं उनमें क्या होगा. ऐसे नहीं अभी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए. मैं आपको सारे हाउसेज सिग्निफिकेंट जो भी है ये जितना भी हमने पढ़ा मैं सबकी मैं आपको पीडीएफ अभी आज मेल कर दूंगा. आप सब लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी मेरे को भेज दीजिएगा ठीक है ग्रुप पे और ये सारी मैं आपको मेल कर दूंगा. सर मेरा ईमेल आईडी पहली क्लास में आपके पास होगा सर वापस से भेजूं क्या. नहीं 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 जिसका है मेरे पास वो उनका मेरे पास है नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वो पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा. आप आराम से फोन पे भी देख सकते हैं कोई ऐसा वो नहीं. बस एक बार स्टडी कर लीजिएगा और बाकी कोई भी और टर्मिनोलॉजी जो समझ में नहीं आ रही हो ज्योतिष को रिलेटेड वो भी समझ पूछ लीजिए. आपको जो पूछना क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन पूछो जितने क्वेश्चन पूछने हो उतने क्वेश्चन पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं बट आप प्लीज पूछो या पूछेंगे तभी इंटरेस्ट है. और अभी मैं आप लोग चलो आप लोग एक काम करो आज आप सब लोग देखो आपका एट्थ हाउस जो है क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं जरूरी है समझना एट्थ हाउस में कौन सा साइन है उस साइन का लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा है. समझ में आया. दो चीजें आपने देख ली दो चीजें. पहला चीज एट्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं ठीक है और एट्थ हाउस का लॉर्ड कहां पर. मेरा एट्थ हाउस मकर राशि है ठीक है. मकर राशि का लॉर्ड कौन है. मकर शनि. शनि कहां बैठा है. सिक्स्थ हाउस में वृश्चिक राशि में. राशि छोड़ दो सिक्स्थ हाउस में बैठा है. सिक्स्थ हाउस में बैठा है. हाँ सिक्स्थ हाउस में ठीक है. मेरा मेरा सैटर्न कैप्रिकॉन में ही बैठा है एट्थ हाउस में. नहीं सैटर्न नो एट्थ हाउस इज रूल्ड बाय फिफ्थ मतलब इट्स एट की जगह पे पांच लिखा है यानी कि दैट इज सन का रूल कर रहा है. लियो लियो हां लियो है. लियो सन इज सिटिंग इन 11th हाउस. तो अभी आप बस इतना नोट करिए अभी कोई कुछ मतलब नहीं बताने वाला इनका ठीक है. अभी अच्छा. इसका क्या मतलब है जब हम प्लैनेट्स पढ़ लेंगे ठीक है. प्लैनेट्स पढ़ लेंगे फिर हम मतलब प्लैनेट्स तक रुक जाओ बस थोड़ा सा रुक जाओ. अगले अगले हफ्ते हम ये दोनों चीजें कर लेंगे सारे साइंस कंप्लीट कर लेंगे प्लैनेट्स पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम नक्षत्र पे जाएंगे फिर हम बाकी चीजें करेंगे. फिर हम धीरे धीरे जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे दशाएं भी पढ़ लेंगे तब हम सबको जोड़कर देखना शुरू करेंगे कि हाँ कुंडली का क्या मतलब निकल रहा है. फिर हमें कंजंक्शन भी पढ़ने हैं एस्पेक्ट भी पढ़ने हैं फ्रेंडशिप एनिमिटी भी देखनी है क्लाइंट्स की डिग्री का क्या मतलब है वो समझना है बहुत सारी चीज समझनी है. हमारी सारी लड़ाई जो है ना जो तरीके हैं इवॉल्व हुए हैं ज्योतिष के अंदर हाउसेस का मतलब सब जगह सेम है. चाहे इंडिया के किसी भी ज्योतिष का पकड़ लो सब यही बताएंगे जो मैंने बताया एग्जैक्टली सेम कुछ और डिफरेंस नहीं ऐड हो सकता है इसमें डिलीट कुछ नहीं होगा. मोटा मोटी जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला वो सब चीजें वही बताएंगे. फिर उसके बाद साइंस का भी सब मतलब सेम ही बताएंगे कोई खास चेंज डिफरेंस उसमें भी नहीं है. सारी लड़ाई है प्लैनेट्स के ऊपर कौन सा प्लैनेट किस तरीके का फल देगा कब देगा और कैसे देगा. सारी लड़ाई सारा एनालिसिस उसी चीज के ऊपर है. पराशरी अलग तरीके से उसको एनालाइज करता है. नाड़ी वाले हम लोग दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं उसको नक्षत्र सब लॉर्ड लेवल पे देखते हैं. वो लोग कुछ लोग डिविजन जो पराशरी वाले जो करते हैं जो वैदिक जिसको हम बोलते हैं वो लोग करते हैं उसके डिविजनल चार्ट बनाएंगे प्लैनेट का षडबल देखेंगे
और प्लैनेट में ये सारे एस्पेक्ट कंजंक्शन और सारे योग देखेंगे, कितने योग बन रहे हैं आपकी कुंडली के, तो उन सब देख के फिर कुछ प्रेडिक्शन होती है। तो वो सारी प्रेडिक्शन जो है ना वो घोल मोल है, उस पर कम से कम मिनिमम जो टाइम टेकन टू अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड फॉरगेट अबाउट गिविंग द प्रेडिक्शन, टू अंडरस्टैंड दैट इज 2 years मिनिमम। वो 2 साल आप उसमें लगा सकते हैं, फिर भी आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, उसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ 2 साल बाद भी प्रेडिक्शन नहीं हो पाएंगे। तो क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो एक तो कोई सिखाता नहीं उसमें कि हाँ, और देर इज एंड देर इज नो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एंटायर थिंग। कोई कोई नवा ऑप्शन देख लो, अच्छा अच्छा आप उसको डिविजनल चार्ट में उसमें देखो, कोई भी आइटम आप देख रहे हो, किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने जा रहे हो तो आप उसको 10 चार्ट्स में देखोगे, उसमें बल देखोगे, फिर भी इवेंट नहीं हो रहा, फिर कन्फ्यूजन, फिर और 50 किताबें पढ़ोगे, 50 वीडियोज देखोगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये बड़े ही कन्फ्यूजन वाले हैं। इनफैक्ट भारतीय वेद हमारे मेरे जो टीम पहले जो जिनको मैं मतलब जब मैं क्लासरूम सेशन लेता था उसमें मेरे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो सारे भारतीय विद्या भवन के जो 2 साल का कोर्स करते हैं दिल्ली में वैदिक ज्योतिष का, उसके स्टूडेंट थे। तो करने के बाद जब प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही तब वो लोग सीखते थे नाड़ी कैसे, मतलब प्रेडिक्शन कैसे करें, क्योंकि हमारे को तो ये हो गया ना कि मतलब जैसे कोई अगर आपके सामने आया, आपने कुंडली दिखाई, उसने बोला वो ये तो 7:30 चल रही है आपकी, तो उसने पूछा नौकरी कब लगेगी, उसने 7:30 उसने 7:30 बता के शनि के उपाय बता दिए, ये कर लो, बड़ा मुश्किल समय है। ये एक तरीका वो है करने का ज्योतिष, एक तरीका ये है कि नौकरी कब लगेगी, आपने 2-4 डेटें निकाल के दे दी, इन इन डेट्स में एक्सपेक्ट योर इंटरव्यू कॉल, एक्सपेक्ट योर जॉब टू बी डन, अगर नौकरी लगनी होगी, नहीं लगनी होगी तो आप साफ साफ बता दो कि भाई 1 साल तो मुश्किल है, जो जैसी मिले वैसी ले लो, 1 साल थोड़ा सा टफ है, वो आप देख के आप आराम से मतलब वो जब प्रेडिक्टिव करेंगे हम नाड़ी वो देख के एकदम क्लियर बता, ये मतलब जो जो इवेंट आप पढ़ेंगे उस इवेंट की आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इतना इतना स्ट्रांग सिस्टम है, इतना स्ट्रांग तरीका है और इतना एक्यूरेट तरीका है, वो दैट इज देयर इन वो इसीलिए कामयाब है, इसीलिए ज्यादा लोग वो उसको प्रेफर करते हैं नाड़ी वाले को। नाड़ी हो गया, केपी हो गया, अलग अलग तरीके सबके सबके अपने अपने अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग वे ऑफ एनालाइजिंग प्लैनेट्स के इफेक्ट ही है, सब कुछ क्या है, प्लैनेट का क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा और कब मिलेगा उसका रिजल्ट, उस चीज पे ही सारी बहस है। हाउसेस पे कोई डिबेट नहीं, साइंस पे कोई डिबेट नहीं, नक्षत्र पे कोई डिबेट नहीं, किसी चीज पे कोई डिबेट नहीं, सारा सिस्टम जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर ही बेस्ड है। अभी हम प्लैनेट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे पूरी, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, लॉर्डशिप्स कैसे देखते हैं, वो हम बनाएंगे, वो करेंगे, काफी प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोग अपनी इतना कर रहे हैं कि आप लोग अपनी कुंडली को बेसिक आप देख पाओगे क्या है, प्रेडिक्शंस एडवांस में करेंगे कौन सा इवेंट कब होगा, कब पैसा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब क्या चीजें आएंगी। और जो न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं वो लोग न्यूमरोलॉजी के साथ जब दोनों चीजें मैच करके देखेंगे तो 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे होती है वो चीज आप कर पाओगे, 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं ट्यूसडे को फिर से, एंड विल स्टडी मोर, मैं आपको भेजता हूँ आज ही। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।